no issues in that. Yes. So friends, aaj ka topic, that practical issues of income from house property and capital gains. फ्रेंड्स मैंने प्रैक्टिकल इश्यूज से कहीं ना कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग ये रही कि आज के दिन हम जो इश्यूज फेस कर रहे हैं उन पे डिस्कशन करें. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फ्रेंड्स और उसके बेसिस पे एक एक करके जो इश्यूज मैंने फेस करे उन सबको डिस्कस करते हैं. आशा मैम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस. तो मैम, कैन वी हैव टू को-होस्ट और वन और ओनली वन होस्ट? I think co-host option is not there in this link. Okay. अच्छा मैम, मैं फिर आपको host बना रहा हूँ. Reason being the participants will be there. You have to admit them. मुझे तो सिर्फ share screen करना है. That is the only purpose. तो अगर मैं share screen में कोई issue आएगा, permit कर दीजिएगा sir. Okay sir. I'm making you the host. मैम आप screen sharing enable कर दीजिए. स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन तो नहीं है. मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेटेड स्क्रीन स्क्रीनिंग, तो आपके पास कहीं ऑप्शंस में आ रहा हो टू अलाउ स्क्रीन शेयरिंग. वन पार्टिसिपेंट मल्टीपल मैम ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप फिर मुझे होस्ट बना दीजिए. मैं एक बार आपको होस्ट बना देती हूँ, आप शेयर करके देन वो तो फिर ठीक है, आप कर दीजिए मेरे को होस्ट. I think ma'am that is visible to all yes, screen sir. Particularly. Thank you. हाँ जी friends. तो practical issues में चलते हैं friends. The very first practical issue which I am facing and I want to discuss with you. That is regarding section 50C. So friends, 50C हम सबको पता है, that we all know, कि अगर सर्कल रेट से कम में ट्रांसफर किया है तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी सर्कल रेट है जिस अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी लेवी की है स्टेट गवर्नमेंट ने, that amount will be treated as full value of consideration while computing capital gains. उसके अंदर वी ऑल नो कि इनकम टैक्स एक्ट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन के कंपेरिजन में अगर सर्कल रेट इज इन एक्सेस ऑफ मैक्सिमम 10%, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके एक्चुअल सेल प्राइस को ही कंसिडरेशन माना जाएगा और उस केस में जितने अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी पे करी है उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा. फ्रेंड्स, इसी में सबसे पहला जो सवाल आता है मेरा कि ये 10% का रिलैक्सेशन कैसे कंप्यूट करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग अ पर्टिकुलर ट्रांसफर ₹4, 1 crore स्टैम्प ड्यूटी. That stamp duty is being levied on ₹1,10,10,000. Now section 50C में जो relaxation दिया हुआ है, क्या उस relaxation के aspect में क्या मेरा transfer price genuine है और I will be liable to pay tax on the basis of ₹1,10,10,000. कहने का मतलब as per section 50C यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा, 1 crore और विच एवर इज हायर, दैट इज 1,10,10,000. दैट मीन्स हाउ टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर 10% रिलैक्सेशन. फ्रेंड्स, इसमें आपका किसी का भी व्यू है प्लीज शेयर करें कि आपका क्या कहना है यहां पर. क्या मेरा विद इन 10% यहां पर मैंने सेल प्राइस है या 10% की कंडीशन का वॉयलेशन हो रहा है. फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार सवाल पूछता रहूंगा यहां पर. प्लीज शेयर योर व्यूज. मैंने एक प्रॉपर्टी बेची 1 crore rupees में, उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे हो रही है 1,10,10,000 पे. क्या मैंने ट्रांजेक्शन विद इन 10% की कंडीशन में करी है या 10% से ज्यादा है.
फ्रेंड्स अगर विद इन 10% है तो मेरा एक्चुअल सेल प्राइस ही वहां पे सेल प्राइस माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। बट अगर 10% की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उस पर्टिकुलर केस में मेरा 50 सी में सेल प्राइस कितना माना जाएगा? 1,10,10,000 रुपए। मैम आप चैट बॉक्स में कुछ लिख के भेजिए, देखिए कि चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है। चैट बॉक्स में आ रही है रिप्लाई, एक वायलेशन हो रहा है, देवेंद्र जी का आंसर है, कई सारे आए हैं हमारे पास। चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, लेट मी स्टॉप द शेयर। हाँ जी हमारे पास जवाब आया हायर लेंगे, वायलेशन हो रहा है 1 करोड़ रुपए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन दिस केस नो वायलेशन। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं सबके अगर व्यूज कंसीडर करता हूं तो दोनों व्यूज आ रहे हैं, दैट मींस वी नीड टू क्लियर व्हाट द लॉ इज पर्टिकुलरली सेइंग। होता क्या है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम बात करते हैं ना तो असेसी अपने फेवर में बात करता है, फेवर का मतलब जो उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जहां पे बेनिफिट ज्यादा दिखाई देता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जो लॉ है उसी पर्टिकुलर सिनेरियो में। मैम आप ऑप्शंस में जाएं, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है। हाँ उसमें मैडम एडवांस सेटिंग्स में देखेंगे तो वहां पे आ रहा होगा अलाउ टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। अच्छा मैम आप सुमित गर्ग जी होस्ट हैं इस समय। यस सुमित जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? सुमित गर्ग जी फ्रेंड्स ध्यान से सुनना लॉ क्या कहता है। हाँ शरी हेलो सुमित जी एडवांस सेटिंग्स में जाके ना पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन शेयरिंग अलाउड कर दीजिए सो दैट आई कैन शेयर द स्क्रीन। ओके 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 सर यू आर द होस्ट आई थिंक पंकज जी यू आर द होस्ट। सर इस समय आप ही होस्ट सर, आपके नाम से दो लोग इन आ रहे हैं। अच्छा ओके ओके मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं। यू हैव मेड मी द होस्ट। ओके ठीक है ठीक है ओके 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 जस्ट अ मिनट। नाउ पंकज सर यू आर होस्ट। ओके मैम सुमित गर्ग जी वापस हो गए हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं आई थिंक बैक एंड पे। अच्छा वापस हो गया है। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि आपका जो एक्चुअल सेल प्राइस है उसके कंपैरिजन में अगर आपने जिस अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी पे करी है अगर वो मैक्सिमम 10% ही एक्सीड करती है तो उस पर्टिकुलर केस में एक्चुअल सेल प्राइस को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। दैट मींस दैट 10% इज नीड टू बी कंप्यूटेड ऑफ योर एक्चुअल सेल प्राइस। अगर वो 10% एक्चुअल सेल प्राइस में जोड़ने के बाद अगर स्टैम्प ड्यूटी जिस अमाउंट पे लगी अगर वो उससे ज्यादा है तो 10% का जो रिलैक्सेशन है उसका बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। दैट 10% इन आवर एग्जाम्पल नीड टू बी कैलकुलेटेड ऑफ 1 करोड़। तो सर्कल रेट अगर 1,10,00,000 या उससे कम है देयर विल बी नो नेगेटिव इंप्लिकेशंस। बट अगर सर्कल रेट जिस पे आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो अगर वो 1,10,10,000 रुपए है तो उस पर्टिकुलर केस में फेस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका ये वाला अमाउंट बन जाएगा। होता है क्या है प्रैक्टिकली फ्रेंड्स आज के दिन वी ऑल नो प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे एरियाज के केस के अंदर सर्कल रेट बहुत ज्यादा है बट एक्चुअल मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की कम है। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट साउथ दिल्ली फ्रेंड्स सर्कल रेट वहां पर देखें 7 करोड़ 8 करोड़, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स वहां पे मार्केट रेट पता चला 5 करोड़ रुपए। अब वहां पर ये क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 10% क्या चीज, वो जल्दीबाजी में कहते हैं सर्कल रेट 8 करोड़ रुपए, अच्छा उसका 10% उसमें कम कर दो, अगर 7,20,00,000 या उससे ऊपर की डील है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो फ्रेंड्स दैट इज टोटली रॉन्ग। आपको सेल प्राइस का 10% कंप्यूट करना है, ठीक है जी। अब पीछे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक रिलैक्सेशन दिया, आई थिंक दैट इज वैलिड, आई एम नॉट 100% श्योर, दैट इज वैलिड अप टू 30th of September 2021। फ्रेंड्स दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि दिल्ली में रजिस्ट्री के केस में हम 20% का स्टैंप ड्यूटी का रिलैक्सेशन देंगे।
Now that how relaxation is provided. Now, for example, and making a transfer, 4 rupees, 2 crore. Circle rate, old, for example, 2.5 CR. अब सवाल यह कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको स्टैंप ड्यूटी में रिलैक्सेशन देंगे, तो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि स्टैंप ड्यूटी का रेट फॉर एग्जाम्पल 6% है. अब रिलैक्सेशन मे बी ऑफ टू टाइप्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट. पहला कि 6% स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे ऑफ 2.5 CR, दैट इज 15 लाख रुपीज, माइनस 20% जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया, 3 लाख कितना आ गया, 12 लाख. कि जी आपको 12 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी देनी है, हमने आपको 20% का रिलैक्सेशन दे दिया. दूसरा तरीका क्या है, 2.5 CR के सर्कल रेट को रिड्यूस किया जाएगा 20% से, दैट विल बिकम 2 करोड़, और इस 2 करोड़ पे 6% चार्ज किया जाएगा, 12 लाख रुपीज. अल्टीमेटली मैं जैसे मर्जी कैलकुलेट करूं, मुझे यहां पर स्टैंप ड्यूटी कितनी पे करनी है, 12 लाख रुपीज. विल इट मेक एनी डिफरेंस अंडर इनकम टैक्स लॉ? फ्रेंड्स, इनकम टैक्स लॉ ये नहीं कहता कि आप स्टैंप ड्यूटी कितनी पे कर रहे हो. इनकम टैक्स लॉ कहता है कि जिस अमाउंट पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट हो रही है, उसको हम इनकम टैक्स के पर्पज से बेस बनाएंगे, कितने अमाउंट पे कैलकुलेट हो रही है. अब अगर यहां पर स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट हो रही है 2.5 CR पे, तो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 50C 2.5 CR बेस बनेगा, 2 करोड़ बेस नहीं बनेगा. बट अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम सर्कल रेट ही आपका 2 करोड़ लेंगे और उस पे हम कैलकुलेट करेंगे 6%, तो फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 50C के पर्पज से बेस क्या बनेगा, 2 करोड़ रुपीज. तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव सीन कि वहां पर उन्होंने स्टैंप ड्यूटी को कम नहीं करा, उन्होंने कहा जिस अमाउंट पे स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट होगी उसको हम 20% से रिड्यूस कर रहे हैं. तो आज के दिन अगर दिल्ली में देखें, तो अगर पहले उसका सर्कल रेट 2.5 करोड़ था, तो आज के दिन स्टैंप ड्यूटी 2 करोड़ पे कैलकुलेट होगी, और इनकम टैक्स लॉ में जो 10% का बेनिफिट दिया है वो फ्रेंड्स 2 करोड़ के हिसाब से हम चेक करेंगे अल्टीमेटली कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं. तो इनडायरेक्टली देखूं तो कहीं ना कहीं 30% के आसपास मेरे पास बेनिफिट अवेलेबल है. तो दैट व्हाट हैज बीन टेकन केयर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इस चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स. इनकम टैक्स लॉ ये नहीं कहता सर्कल रेट कितना है, इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि कितने अमाउंट पे आप स्टैंप ड्यूटी कंप्यूट कर रहे हैं. चलो जी, ये सारे एस्पेक्ट्स हो गए. अब सवाल ये आता है कि मान लो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी, 5 करोड़, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 8 करोड़. नाउ दीज आर द एक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ साउथ दिल्ली स्पेसिफिकली. आप देखो बहुत सारे एरियाज दिल्ली में ऐसे हैं जहां पर ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट के हिसाब से सर्कल रेट बहुत ही ज्यादा है बट मार्केट वैल्यू बहुत ही कम है. नाउ व्हाट टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस, कैन एनीवन सजेस्ट मी इन पर्टिकुलर केसेस में मैं क्या करूं? इज देयर एनी वे टू सेफगार्ड मायसेल्फ? फ्रेंड्स जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, मैं 5 करोड़ में प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, मार्केट में कस्टमर भी नहीं है 5 करोड़ से ऊपर का, बट स्टैंप ड्यूटी जो पे करनी है पड़ रही है वो 8 करोड़ रुपए के अंदर पे करनी पड़ रही है. नाउ व्हाट टू डू? अननेसेसरी क्या मैं 3 करोड़ रुपए पे टैक्स दे दूं? फ्रेंड्स आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग, देयर इज नो एक्रूअल एट ऑल. इज देयर एनी सॉल्यूशन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? हाँ जी फ्रेंड्स, किसी को आइडिया? वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर. ओके, आशा जी ने कहा कि हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट ले सकते हैं. मैम आपसे पूछना चाहूंगा कि वो वैल्यूएशन रिपोर्ट मुझे कैसे हेल्प करेगी? ठीक है, मैंने वैल्यूएशन रिपोर्ट ले ली, उसने भी कहा जी 5 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू, मैंने 5 करोड़ रुपए में ट्रांसफर किया. नाउ हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यूएशन रिपोर्ट? उसमें सेल कंसीडरेशन हम एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट जो आ रही है वही ले लेंगे. And मैं तो 5 करोड़ में बेची भी है, वो तो एक सपोर्टिंग एविडेंस है टू प्रूव कि उसका सेल प्राइस ही 5 करोड़ जस्टिफाइड है. बट मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने उसका बेनिफिट कैसे लूं? व्हाट इज द प्रोसीजर? कैसे मैं डिपार्टमेंट के सामने पिक्चर प्रेजेंट करूं? व्हाट इज द प्रोसीजर? किस स्टेज पे प्रेजेंट करूं? रिटर्न फाइलिंग के समय, स्क्रूटनी के समय कैसे अप्रोच करूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि टू से दैट कि हाँ जी 8 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी लगी है, मैंने 5 करोड़ में बेची है, क्योंकि डेफिनेटली ये डाटा रजिस्ट्रार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है. तो इनिशियली तो आईटीआर के थ्रू ही आई हैव टू क्लेम दिस,
सॉल्यूशन आया बिल्कुल ठीक है मैम, आईटीआर के थ्रू इनिशियल स्टेज यही है। मनोज अग्रवाल जी ने कहा कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलूं कि हाँ जी वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ। मनोज जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट सवाल ये आता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या इनकम टैक्स ऑफिसर को तब बोलूंगा ना जब वो मुझे बुलाएगा। आज मुझे रिटर्न भरनी है तो क्या उस समय जाके मैं ऑफिसर को कहूं जी वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ और पूछ के बताओ? दिस इज द प्रैक्टिकल इशू दैट हाउ टू क्लेम दैट द मार्केट वैल्यू इज एक्चुअली 5 CR एंड नॉट 8 CR। फ्रेंड्स प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग, आई हैव सीन द नोटिसेस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। रजिस्ट्रार आज के दिन फ्रेंड्स मल्टीपल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। As per if I talk about SFT, Statement of Financial Transaction, Section 285BA, वहाँ पर तो सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन लिखी है, अगर 30 लाख से ऊपर की रजिस्ट्री है तो उसकी डिटेल्स बायर और सेलर्स की रजिस्ट्रार इज सपोज टू कन्वे टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बट प्रैक्टिकली दे आर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कोई सेल या परचेज करी है बिलो द सर्कल रेट, कहने का मतलब जिस अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हो वर्सेज आप कितने रुपए में खरीद रहे हो बेच रहे हो, अगर वो उससे कम है तो वो डाटा भी रजिस्ट्रार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपकी सेल डीड में रेफरेंस आ रहा है कैश पेमेंट का मोर देन 20,000, फ्रेंड्स एज पर सेक्शन 269SS मोर देन 20,000 इवन मोर देन 19,999 कैश इन्वॉल्वमेंट इमल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में अलाउड नहीं, तो वो रिपोर्टिंग्स भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती हैं। दे यूज दैट इंफॉर्मेशन टू ओपन द केसेस आइदर अंडर स्क्रूटनी और सेक्शन 148। फ्रेंड्स प्रैक्टिकली If I talk about बीच में 4 या 5 साल हमारे पास ऑप्शन था, बट पिछले 2 या 3 इस साल को मिला के 3 साल देर इज नो ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रेज दिस पर्टिकुलर चैलेंज। इसका मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कैसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है प्रैक्टिकली। फ्रेंड्स इनकम टैक्स रिटर्न के अगर मैं फॉर्म्स में जाता हूं वहां पर कॉलम क्या आता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल, कि आपने कितने रुपए में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, कितने अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी पे करी है, 1,10,01,000 रुपए। क्या लिखा है यहां पे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अडॉप्टेड एज पर सेक्शन 50C फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन इन केस A2 डज नॉट एक्सीड 1.10 टाइम्स AI, टेक दिस फिगर एज AI और एल्स टेक A2। फ्रेंड्स नाउ दिस पर्टिकुलर फिगर इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। फ्रेंड्स दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉफ्टवेयर विच इज बीइंग रिलीज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। आज से 3 साल पीछे अगर आप जाएंगे और अगर गवर्नमेंट की जावा और एक्सेल यूटिलिटीज चेक करेंगे तो फ्रेंड्स ये फिगर आपको मैन्युअली फिल करनी होती थी। नाउ इफ यू बिलीव कि आपकी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू ही 1 करोड़ है तो आप यहां पर मैन्युअली फिल करते थे कितना, 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका केस स्क्रूटनी में आ जाए, बट एटलीस्ट यू कैन रेज द चैलेंज। अब आज के दिन तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास कई बार ऑप्शन सजेस्ट किया जाता है कि जी एक काम करो यहां पर भी 1 करोड़ रुपए भर दो। नाउ फ्रेंड्स अगर मैं यहां पर 1 करोड़ रुपए भर रहा हूं तो टेक्निकली आई एम गिविंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स यहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं हुआ, ट्रू एंड करेक्ट, जो कि रिक्वायर्ड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट एज पर फॉर्म्स कि मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू देना पड़ेगा, ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं उसको वेरीफाई भी करता हूं। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल इशू। बीच में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई थी फॉर 4 और 5 ईयर्स, बट लास्ट 2 या 3 साल से ये प्रॉब्लम वापस अराइज हो गई है क्योंकि ये कॉलम ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, आप इसको मैन्युअली फिलअप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स एज ऑन डेट देयर इज नो ऑप्शन प्रोवाइडेड, नाउ व्हाट कुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन? फ्रेंड्स बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए भरे। अगर डिपार्टमेंट से नोटिस आता है अंडर सेक्शन 143(2) और 148 तो आप पहले नोटिस के ही रिप्लाई में आप ये सबमिट कर दें कि यहां पर ये पर्टिकुलर कॉलम नहीं था टू फिल इट मैन्युअली, दैट्स व्हाई आई वाज फोर्स्ड टू फिल अप इट टू बी 1 करोड़ रुपीज, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फ्रेंड्स अदरवाइज रॉन्ग वेरिफिकेशन के केस में कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हो सकते हैं, तो दैट इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। फ्रेंड्स तो 50C में ये प्रॉब्लम है दैट यू हैव टू टेक केयर, जहां पे सर्कल रेट से कम में डील हुई है। चलो जी दूसरे इश्यू पे चलते हैं।
फ्रेंड्स अगर आपके इसके रेस्पेक्ट में कोई भी क्वेश्चन हो आप साथ साथ में मेरे से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू। अब आप सबसे सवाल, मैंने बैंक से हाउसिंग लोन लिया, फ्रेंड्स हाउसिंग लोन लिया तो आई नीड टू पे इंटरेस्ट, और हम सबको पता है कि उस इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 में मिलती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए, अगर लेट आउट है तो पूरे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में जाऊंगा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मुझे डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेट आउट है तो मैं पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूं। जिस दिन मैंने असेट एक्वायर किया उससे पिछले साल तक का इंटरेस्ट मैं 5 इंस्टॉलमेंट्स में क्लेम कर सकता हूँ, दैट वी ऑल ठीक है जी। फ्रेंड्स जब हम बैंक से एक पर्टिकुलर रेजिडेंशियल हाउस फाइनेंस करवाते हैं तो जनरली बैंक चार्जेस लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, कुछ और भी ले लेते हैं, कई बार वैल्यूएशन चार्जेस भी ले लेते हैं, मल्टीपल तरीके चार्जेस होते हैं, दैट मे बी इन परसेंटेज टर्म्स, दैट मे बी फिक्स अमाउंट ऑल्सो, दैट वी ऑल नो। सवाल ये है क्या उस पर्टिकुलर लोन प्रोसेसिंग चार्ज का भी या और भी कोई चार्जेस अगर बैंक ने लेवी किए हैं क्या उसकी सेक्शन 24 में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। सेक्शन 24 वी ऑल नो, एक तो वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, दूसरा वहां पर आपको बेनिफिट दिया हुआ है किसका, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाँ जी फ्रेंड्स, हमारे पास 2 आंसर आए, नहीं 3 आए, नहीं, एवरीवन इज इन फेवर ऑफ दैट नो डिडक्शन इज अलाउड, ओके। एंड फ्रेंड्स फ्रेंकली स्पीकिंग दैट इज द काइंड ऑफ सेटल्ड व्यू विद ऑल ऑफ अस, आई विल नॉट से द सेटल्ड व्यू ऑफ द लॉ, विद ऑल ऑफ अस। चलो जी, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के चलता हूं, एक बार हम इसको छोड़ देते हैं कि सेक्शन 24 में इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आगे चलो। मुझे ये बताएं कि अगर मैं बैंक को इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूं, आई एम ए बिजनेसमैन, मेरा बिजनेस का टर्नओवर भी 1 करोड़ से ज्यादा, वो सारी कंडीशंस मैं फुलफिल मान रहा हूं, अगर बैंक को मैं इंटरेस्ट की पेमेंट करता हूं मोर देन अ लिमिट, तो क्या मुझे सेक्शन 194 कैपिटल ए में टीडीएस डिडक्ट करना है। हाँ जी, टीडीएस 194 कैपिटल ए, इफ आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक, ओके जी आंसर आया नो, ठीक है जी बहुत बढ़िया। 194 कैपिटल ए क्या टीडीएस डिडक्ट करना है, नो, क्योंकि 194 कैपिटल ए में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर आप बैंक को इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना, ओके जी। अगर मैं एनबीएफसी को इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूं, फ्रेंड्स आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम फुलफिलिंग ऑल अदर कंडीशंस ऑफ सेक्शन 194 कैपिटल ए, उसके डिबेट पे नहीं जा रहा, इफ आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनबीएफसी डू आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस, ओके एवरीवन इज सेइंग यस, ओके परफेक्ट, चलते हैं। अब मैं बिजनेसमैन हूं और बिजनेस के पर्पस से लोन ले रहा हूं और वहां पे बैंक या एनबीएफसी मेरे से लोन प्रोसेसिंग चार्ज कर रहा है, लोन प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है, डू आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस। फ्रेंड्स बैंक के केस में और एनबीएफसी के केस में, पहले बैंक के केस में बताओ, मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस के मैन के पर्पस से मैंने लोन लिया, क्या मुझे टीडीएस काटना है, नो, परफेक्ट आंसर। एनबीएफसी को लोन प्रोसेसिंग फीस पे कर रहा हूं, डू आई हैव टू डिडक्ट टीडीएस। फ्रेंड्स सेक्शन इंडिपेंडेंट है, मैं चलो सेक्शन को भी एक बार रिलैक्स कर रहा हूं, कौन से सेक्शन में, सी में काटना है, ए में काटना है, आई में काटना है, जे में काटना है, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, क्या मुझे टीडीएस काटना है, एनबीएफसी को लोन प्रोसेसिंग फीस पे कर रहा हूं। मनोज अग्रवाल जी, एडवोकेट गौरव पटेल जी, दे आर सेइंग यस, ओके परफेक्ट आंसर। अब मुझे ये बता दीजिए कौन से सेक्शन में काटना है। देवेंद्र त्यागी जी बिल्कुल सही, एनबीएफसी को लोन प्रोसेसिंग चार्ज पे कर रहा हूं, आई नीड टू डिडक्ट टीडीएस, ओके जी। आशा शर्मा जी का जवाब आया 194 कैपिटल ए, दैट इज द परफेक्ट आंसर। अब आप कहते हो कि 194 ए में लोन प्रोसेसिंग फीस पे टीडीएस काटना है, provided I am not making payment to bank but to NBFC. सवाल आता है ये interpretation क्यों? मैं क्यों loan processing charge पे TDS काट रहा हूं? Section 194A की heading क्या है? Interest other than interest on securities. Interest other than
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट को छोड़ के आप कोई भी इंटरेस्ट पे करोगे यू नीड टू डिडक्ट टीडीएस सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 194 कैपिटल ए सबसेक्शन 3। ओके जी, देखो फ्रेंड्स यहां पर क्या लिखा हुआ है, डील्स विद टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब मैं जब इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की परिभाषा देखने लगा तो आई वेंट थ्रू सेक्शन 2, और तो कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि सेक्शन 194 कैपिटल ए में इंटरेस्ट की परिभाषा नहीं दी हुई, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को डिफाइन किया हुआ है, उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। फ्रेंड्स अगली डेफिनेशन देखो क्या लिखी है, इंटरेस्ट। तो इसका मतलब इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ, इस इंटरेस्ट में से जो सेक्शन 228 ए में डिफाइंड है अगर उसमें से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हटा दूं जो कि सेक्शन 228 बी में डिफाइंड है तो बचा हुआ इंटरेस्ट 194 ए में कवर अप होगा। और फ्रेंड्स वहां पर डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मनीज बोरोड। अगर आप किसी भी तरीके का पैसा बोरो करते हैं या कोई भी डेट इंकर करते हैं इंक्लूडिंग ए डिपॉजिट क्लेम और अदर सिमिलर राइट और ऑब्लिगेशन एंड इंक्लूड्स एनी सर्विस फी और अदर चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई सर्विस फी या अदर चार्ज इंकर करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी बोरोड, अगर आपने कोई पैसा बोरो किया है उसके रेस्पेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई सर्विस फी या अदर चार्ज पे करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के पर्पस से उसे भी इंटरेस्ट माना जाएगा। फ्रेंड्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो डाउट दैट लोन प्रोसेसिंग फी इज नॉट एन इंटरेस्ट, बट एज पर इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 228A फ्रेंड्स लोन प्रोसेसिंग फी इज नथिंग बट इंटरेस्ट, और इस कारण से हम एनबीएफसी को जब लोन प्रोसेसिंग फीस की पेमेंट करते हैं तो 194 ए में टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अब मेरा सवाल यह आता है कि जब ये लोन प्रोसेसिंग फी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में कवर अप है तो सेक्शन 24 में उसकी डिडक्शन क्यों नहीं मिलेगी। फ्रेंड सेक्शन 24 में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ परचेज एक्विजिशन आपका कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, वहां पर भी वर्ड क्या यूज किया है, इंटरेस्ट, और सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो वेयर आई हैव टू गो फॉर द डेफिनेशन सेक्शन 2 ओनली। फ्रेंड्स एज पर इनकम टैक्स लॉ लोन प्रोसेसिंग फी इज नथिंग बट इंटरेस्ट, एंड जब ये इंटरेस्ट है तो फ्रेंड्स सेक्शन 24 में डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, नो डाउट इन दैट पर्टिकुलर केस। फ्रेंड्स इवन वी हैव ट्रिब्यूनल जजमेंट इन पर्टिकुलर रेस्पेक्ट, आई नीड टू चेक आउट व्हाट इज द पर्टिकुलर जजमेंट, ट्रिब्यूनल लेवल की जजमेंट है एंड फ्रेंड्स वैलिड इंटरप्रिटेशन, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। अगर कोई पर्टिकुलर असेसी अगर पैसा बोरो करता है उसने लोन प्रोसेसिंग फीस पे करी है और भी कोई चार्जेस अगर बैंक को पे करें फॉर द पर्पस ऑफ दैट लोन, फ्रेंड्स वो सारे प्रोसेसिंग चार्जेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स उन सबका सेक्शन 24 में डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, कोई दो राय नहीं है उसके। फ्रेंड्स जब मैं पीपीटी बना रहा था तो कुछ बचपन याद आ गया, देयरफॉर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस इज इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलेगी, यहां करते करते बचपन याद आ गया। अभी नया नया 12th का रिजल्ट भी आया, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को याद आ रहा होगा बचपन में जब हम मैथ्स के क्वेश्चन किया करते थे तो ऊपर चाहे गलत हो चाहे सही हो नीचे लिख के आया करते थे LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। चलो जी यहां तक क्लियर है, कोई बात नहीं। अब आते हैं लोन फोरक्लोजर चार्जेस। हाँ जी फ्रेंड्स क्या कहते हो, मैं लोन फोरक्लोज कराने चला गया बैंक के पास आफ्टर 2 years और मेबी 3 years मेरी लॉटरी लग गई, पैसे आ गए, मैंने बैंक को कहा जी अपने पैसे पकड़ो मेरा लोन बंद करो, बैंक ने कहा जी फोरक्लोजर करोगे वी विल लेवी द चार्जेस एज पर द एग्रीमेंट, वैलिड है या नहीं दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, मैंने वहां पे रुपए दिए 2 lakh 3 lakh व्हाटएवर फॉर द फोरक्लोज, मेरा लोन अकाउंट बंद, काम खत्म, कैन आई क्लेम दैट पर्टिकुलर लोन फोरक्लोजर चार्जेस एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। आपके व्यूज फ्रेंड्स क्या कहते हैं इस केस में, व्हाट डू यू से, लोन फोरक्लोजर चार्जेस
एक हमारे पास आया नो, दो आंसर नो, एक आया हमारे पास यस, देवेंद्र त्यागी जी ने कहा यस। फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट गया ट्रिब्यूनल के पास। आई एम एज्यूमिंग कि जो पैसा बोरो किया था दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उसमें मेरे को कोई एम्बिग्विटी नहीं है। फ्रेंड्स मुंबई ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो सेक्शन 228 में अदर चार्जेस वर्ड लिखा है उसके अंदर फोर क्लोजर चार्जेस भी कवर्ड अप होंगे क्योंकि दैट चार्ज हैज बीन इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दैट मनी इज बोरोड और दैट इंकर्ड। एंड आई एग्री विद दैट पर्टिकुलर व्यू ऑफ द ट्रिब्यूनल कि मेरे जरूरी नहीं है कि चार्जेस उसी समय इंकर हो जब लोन लिया हो, उस लोन के कारण अगर कोई भी मुझे आउटफ्लो करना पड़ रहा है दैट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ माय इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 228A। तो विंडमर मेरे प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के केस में इट इज वन ऑफ द जजमेंट कि फोर क्लोजर चार्जेस प्रीपेमेंट चार्जेस इसका भी आप सेक्शन 24 में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलें जी आगे फ्रेंड्स, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेज। एनीथिंग फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अगला प्रैक्टिकल इश्यू, मैंने हाउसिंग लोन सेक्शन करवाया उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, उस इंटरेस्ट की सेक्शन 24 में डिडक्शन मिली, उसका बेसिक लॉ फिर मैं आता हूं। मैंने पैसा बोरो किया, अब उस इंटरेस्ट के फ्रेंड्स दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट क्या होते हैं? मान लो मेरा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है या इंस्टॉलमेंट्स में मुझे बिल्डर को पेमेंट करनी है, व्हाटएवर। तो मैंने फॉर एग्जांपल पैसा बोरो किया 1st of July 2019, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 11th of November 2021। अब इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी इंटरेस्ट पे करूंगा और उसके बाद पता चला कि अगले 15 साल तक ईएमआई चलनी है, वहां पर भी मैं हर साल कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के एक्सपेंस इनकर करूं। अब सेक्शन 24 में इसकी डिडक्शन कैसे मिलती है? दो पार्ट समझ में आए, एक तो इनकर्ड अप टू द डेट और ईयर ऑफ एक्विजिशन और दूसरा इनकर्ड आफ्टर एक्विजिशन टिल रीपेमेंट ऑफ फुल एंड फाइनल लोन। फ्रेंड्स सेक्शन 24 कहता है कि जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई या परचेज कंप्लीट हुई उससे पिछले साल तक का इंटरेस्ट, उससे पिछले साल तक का इंटरेस्ट आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहलाएगा और उसका बेनिफिट हम ओवर द 5 years देंगे। तो इन आवर एग्जांपल 1st of July 2019 से लेके 31st March 2021 तक का जो भी इंटरेस्ट है दैट विल बी अलाउड ओवर 5 years starting from financial year 21-22 and then 4 years further. और जो इंटरेस्ट आप यहां पर accrual basis पे incur करेंगे उसकी deduction भी आपको section 24 में मिलती रहे। चलो जी, that is the basic law, उस पर हम focus नहीं कर रहे, we all know that particular law. अब मेरा सवाल ये है कि जो मैंने interest expense incur किया, two parts are there, जिस पर्टिकुलर डेट पे मैंने असेट एक्वायर किया उससे पुराना इंटरेस्ट और उसके बाद ओवर द नेक्स्ट 15 years, किसी कारण से मैं उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 में नहीं लिया, मैंने प्रॉपर्टी किराए पर नहीं दी, मे बी द रीजन और मे बी अदर रीजंस कि मैं उस इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 में नहीं लिया, कैन दैट इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का रेफरेंस तब आएगा व्हेन आई एम गोइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड आई एम लेविड टू दैट कैपिटल गेन टैक्स। तो सवाल ये है कि जब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचने जाऊंगा और कैपिटल गेन्स कंप्यूट करूंगा तो क्या उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकता हूं? फ्रेंड्स उसमें भी दो प्रकार के इंटरेस्ट है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एक वो इंटरेस्ट जो मैंने एक्विजिशन के ईयर तक या डेट तक इंकर किया था और वो इंटरेस्ट जो अगले 15 सालों में मैं पे कर रहा हूं ओवर द ईयर्स बाय वे ऑफ ईएमआईज। सबसे पहले पुराना इंटरेस्ट, एक्विजिशन से पुराना इंटरेस्ट, सभी का आंसर आया यस, ओके मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट? सेकंड, दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी 2006 में हाउसिंग लोन लेके और मैं 2006 से लेके 2021 तक उस प्रॉपर्टी की ईएमआईज पे कर रहा हूं ओवर द नेक्स्ट 15 years,
अब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहा हूं, तो क्या वो 15 साल का इंटरेस्ट 2006 से 2021 तक क्या उसको भी कैपिटलाइज कर सकता हूं? आई एम अज्यूमिंग कि इस इंटरेस्ट की डिडक्शन मेरे को किसी कारण से सेक्शन 24 में अलाउड नहीं थी, नाउ व्हाट एवर द रीजन मे बी। एक हमारे पास जवाब आया सुनील गुप्ता जी का, यस। अजीत जी कह रहे हैं यस। फ्रेंड्स प्रॉपर्टी यूज करनी स्टार्ट कर दी, उसके बावजूद भी क्या कैपिटलाइज कर दूं? क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये चीजें परमिट करते हैं? नो फ्रेंड्स, अगर कोई असेट रेडी टू यूज है तो उसके बाद का इंटरेस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर सकता एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इवन अगर मैं बिजनेस हेड में भी जाता हूं तो सेक्शन 36(1)(3) में क्या लिखा हुआ है, रेड विद सेक्शन 43(6) की एक्सप्लेनेशंस, कि जिस दिन आपने असेट पुट टू यूज कर दिया उसके बाद का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, दैट इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज योर रेवेन्यू एक्सपेंस। What about capital gains head? क्या मैं बाद का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज कर लूं? Yes friends, यहां पर CIT versus मैत्रेयी पाई के केस में फ्रेंड्स यहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उस पर भी थोड़ी देर में आते हैं। अब सवाल को मैं आगे बढ़ा, मैंने इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 में भी क्लेम करी है ओवर द इयर्स। पुनारा इंटरेस्ट मैंने 1/5 करके 5 सालों में क्लेम कर लिया, और बाद में जितना इंटरेस्ट मैंने इंकर किया उसको भी मैं ओवर द इयर्स सेक्शन 24 में क्लेम करता रहा। मेरी प्रॉपर्टी लेट आउट थी और मैंने सारा इंटरेस्ट क्लेम करा, क्या फिर भी उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकता हूं? कैन इट बी एडिड टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? हां जी फ्रेंड्स, सेक्शन 24 में बेनिफिट लिया, क्या फिर भी उस इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट बनाया जा सकता है? और वी कैन से कि जब मैं कैपिटल गेन्स कंप्यूट करूंगा तो क्या सेल प्राइस में से उसको लेस कर सकता हूं बाय वे ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? वो एक डिबेट एक बाद में आएगा, पहले तो ये क्या क्लेम कर सकता हूं? दैट एवरीवन इज सेइंग नो। एक हमारे पास सवाल आया, काउंटर सवाल आया प्रीति अग्रवाल जी का, हाउ वी कैन क्लेम डबल डिडक्शन? ओके जी, डबल डिडक्शन लॉजिकली नहीं मिलनी चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लॉजिकली सीम्स रॉन्ग। फ्रेंड्स आइए इसके लिए लॉ पढ़ते हैं और जजमेंट में देखेंगे कि उस लॉ को कैसे इंटरप्रेट करा, लेट्स फोकस ऑन दैट। अजीत जी आपकी बात मैं समझ नहीं पाया, इफ मोर देन अलाउड, यस आई एम नॉट एबल टू गेट। फ्रेंड्स जब मैं कैपिटल गेन्स हेड की बात करता हूं तो सेक्शन 48 कहता है कि आपको कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करनी और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करनी। अजीत जी कह रहे हैं कि अगर मुझे मान लो हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेक्शन 24 में 2 लाख की डिडक्शन मिली, इंटरेस्ट 2.5 लाख था, तो मैं 50,000 रुपए कैपिटलाइज कर सकता। ओके, कहने का मतलब अगेन इनडायरेक्टली यू आर सेइंग कि डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी, जितना इंटरेस्ट सेक्शन 24 में चला गया वो 24 में चला गया, वो कैपिटल गेन हेड में नहीं है। ठीक, आपकी बात समझ गया मैं अजीत जी, व्हाट यू वांट टू कन्वे। फ्रेंड्स कैपिटल गेन्स हेड में सेक्शन 48 में क्या लिखा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से आप क्या लेस कर सकते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ द असेट। अब मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? I travel to that provisions of capital gains head starting from section 45 to up to section 55 capital A. Friends, वहाँ पर section 55 में देखा कि उन्होंने cost of acquisition और cost of improvement को directly और indirectly define कर रखा है। Cost of improvement को इन्होंने exhaustive manner में भी define कर रखा है। क्या लिखा है? Friends, यहाँ पे जो relevant part है मैंने वही लिखा है, बाकी delete कर दिया है। Means all expenditure of a capital nature. पहली condition capital nature का हो, incurred in making the additions or alteration. अगर कोई एडिशन या अल्टरेशन करना टू द कैपिटल एसेट बाय द एफसी आफ्टर बिकेम हिज प्रॉपर्टी तो दैट विल बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बट आगे क्या लिखा, बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट ऐसा कोई खर्चा जिसका बेनिफिट आपको किसी और हेड में मिल रहा है वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट नहीं बनेगा।
वी आर वेरी ट्रू इन द इंटरप्रिटेशन कि अगर सेक्शन 24 में मैंने इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया तो वो सेम इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, आपका सेक्शन 55 में कॉस्ट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट के डेफिनेशन में उसको एक्सक्लूड किया हुआ है, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने जो इंटरेस्ट इंकर किया क्या वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट माना जाए या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का माना जाए। नाउ आई एम कमिंग बैक कि सेक्शन 24 में इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिल रही, तो मेरा सवाल ये है कि जो मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस इंकर किया वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट है। हाँ जी दोस्तों, वापस इसी चीज पे चल रहा हूं, सेक्शन 24 में मैंने इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं लिया तो आप सबका व्यू है कि मैं उसे कॉस्ट का पार्ट मान सकता हूं। अब सवाल ये कि कॉस्ट का पार्ट मानूंगा तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट है। हमारे पास आया गौरव वर्मा जी, अजीत जी, मनोज जी, आशा शर्मा जी, सबका कॉमन व्यू कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का है। फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की सेक्शन 55 में कोई भी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं दी हुई, वहां पर आपको इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है। दैट मींस कि वहां पे स्पेशल केसेस में तो डिफाइन किया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मानी जाएगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऐसी कोई भी डेफिनेशन सेक्शन 55 में नहीं दी हुई। नाउ दैट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट मींस एनी एक्सपेंस व्हिच यू आर इनकरिंग टू एक्वायर अ पर्टिकुलर कैपिटल असेट, acquiring for a particular capital asset. Friends, क्या ये जरूरी है कि उस expense का outflow उसी समय हो जिस समय property acquire करी? क्या ये जरूरी है कि उस expense का quantification उसी समय हो जिस समय मैंने property acquire करी? Friends, capital gain head में देखोगे तो capital gain head में ये matter नहीं करता कि आपने actual payment कब करी। कोर्ट्स ने इंटरप्रिटेशन दिया, फ्रेंड्स दिस इज द रेलेवेंट जजमेंट व्हिच आई एम शेयरिंग विद यू, दैट इज सीआईटी वर्सेस के राजा गोपाल राव, दैट इज अ मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट। उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो आपको एक असेट एक्वायर करने के लिए इंकर करनी पड़ रही है, इंकरेंस मे बी फ्यूचरिस्टिक, क्वांटिफिकेशन मे नॉट बी टूडे, इट मे बी इन फ्यूचर, बट अगर उसका आउटफ्लो सिर्फ इस कारण से करना पड़ रहा है कि आपकी असेट एक्वायर करना था तो दैट ऑल कॉस्ट विच यू आर इंकरिंग इवन इन फ्यूचर, अगर उसकी लाइबिलिटी उस समय क्रिएट हो गई थी जब आपने असेट एक्वायर किया तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में उसको डिफाइन नहीं कर रखा कि ऐसी कोई भी कॉस्ट जो कि दूसरे हेड्स में डिडक्शन का बेनिफिट मिल रही है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। ऐसे सिमिलर वर्ड्स जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए दिए हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए नहीं दे रखे। एंड कंसिडरिंग दैट, फ्रेंड्स, मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट कि ऑल्दो डिडक्शन सेक्शन 24 में लिए, दैट डज नॉट मीन कि आप उसका सेक्शन 55 में बेनिफिट नहीं ले सकते। आपको बेनिफिट मिलेगा, जब लॉ डबल डिडक्शन प्रोहिबिट नहीं कर रहा एक्सप्रेसली, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। हर हेड अपने आप में इंडिपेंडेंट है पर हर हेड के कंप्यूटेशन मैकेनिज्म इंडिपेंडेंटली अलाउड होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको उसका बेनिफिट ऑलरेडी किसी और हेड में मिला या नहीं मिला। एंड आई थिंक दैट इज अ वैलिड इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द मद्रास हाई कोर्ट। तो फ्रेंड्स, उसको फॉलो करते हुए और अदर वे अराउंड, देयर आर सेवरल जजमेंट्स एज ऑन डेट व्हिच सेज दैट कि डबल डिडक्शन इज अलाउड इन दिस पर्टिकुलर केस, यहां पर कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है लॉ में। तो फ्रेंड्स, व्हाट एवर द इंटरेस्ट यू हैव इनकर, इवन उसके बाद ऐसी भी जजमेंट्स आई कि आपने अगर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी इनकर की है इवन आफ्टर द एक्विजिशन, वो भी आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो अगर मैं 15 साल तक इंटरेस्ट पे कर रहा हूं और उसके बाद प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो वो 15 साल में जितना इंटरेस्ट पे करा वो सारा आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है। एंड इन माय व्यू देयर इज नो डिबेट एज ऑन दैट। सुरेश जी, आपकी थोड़ी सी क्वेरी को इलैबोरेट करें, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे, सच एज रेगुलेशन स्कीम पेनल्टी इम्पोज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी आफ्टरवर्ड्स। अजीत जी, देखिए, कैपिटलाइज अब किस डेट पे मानूं, उसका अदर वे राउंड जो आप पूछना चाह रहे हो कि इंडेक्सेशन कब से होगा, उस एस्पेक्ट में मैं भी आऊंगा कि मैंने उस इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट तो मान लिया, इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन का भी है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का भी है, अब उसका इंडेक्सेशन कब से होगा, दैट इज अ सेकंड स्टेज। पहले मुझे ये एस्टैब्लिश करना है कि हाँ, ये कॉस्ट का पार्ट है, दैट आई एम एबल टू एस्टैब्लिश। अगर फ्रेंड्स हम लिटिगेशन में भी जाएंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर यही डिस्प्यूट में आ गया कि ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है तो इंडेक्सेशन की तो बात ही नहीं हो पाएगी।
फ्रेंड्स यहां तक कोई डाउट है तो पूछें कि ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इसका इंडेक्सेशन कैसे होगा, दैट इज अ सेपरेट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यहां पर अगर आपको लगता है कि कोई चीज हाँ शुड बी इलैबोरेटेड या कोई क्वेरी हो तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। फ्रेंड्स अगर किसी को वर्बली भी पूछनी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू रेज योर हैंड सर, वी विल अनम्यूट यू। हाँ जी मैम, इस केस में जब हम इसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हैं बट स्टिल ये एक लिटिगेटिव फैक्टर रहेगा हैविंग रिगार्ड टू फैक्ट कि ओनली हाई कोर्ट जजमेंट्स आर देयर, नो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज इन दिस। मेरी नॉलेज में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं है बट आई थिंक दैट इज अ वैलिड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। देखिए ऑब्वियसली बात है लिटिगेशंस तो रहेंगे और इवन मैं ये कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ भी जाती हैं तो उसके बाद भी जजमेंट्स आती हैं। कई बार हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले जो व्यू दिया था आज के दिन वो फैक्ट्स को देखते हुए कुछ डिफरेंट व्यू दे रहे हैं, तो दैट हैपेंस। तो वो इसीलिए तो आया कि आईटीओ लेवल पे उन्होंने कहा कि नहीं जी पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे। एंड सेकंड थिंग फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, जहां पे हम आजकल देख रहे हैं कि बिल्डर्स से 5 years में तो मिलता नहीं है, कुछ भी पोजीशन नहीं मिलता। इन दैट केस ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट इंटरेस्ट अमाउंट विद द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। आपके पास समझ गया, मैं आशा जी की क्वेरी को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। मैडम अगर मैं डिफरेंट लाइन पे जा रहा हूँ तो मेरे को बता दीजिएगा। आशा मैम जी का कहना है कि मैंने फॉर एग्जांपल एक बिल्डर के पास फ्लैट बुक कराया और बिल्डर ने कहा जी कि मैं आज से आपको 4 साल बाद पोजेशन दे दूंगा, बट इट टुक 6 years। मैंने उधर हाउसिंग लोन सेंक्शन करवाया, मैं बिल्डर को बैंक से लोन सेंक्शन करा करा के डिसबर्समेंट्स लेके पेमेंट करता रहा, उस पर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी इनकर करता। तो वहां पर इनकम टैक्स लॉ में जब हम सेक्शन 24 में जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जिस साल आपने लोन लिया, मैडम फोकस कर रहा हूं मैं, जिस साल, उस साल के बाद आपका कंस्ट्रक्शन का काम विद इन 5 years कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अफेक्टिवली जो मेरे को टाइम मिला वो 5 से 6 साल का मिला, क्योंकि जिस साल लिया तो अप्रैल से लेकर मार्च में कभी भी हो सकता है, उसके अगले 5 साल में कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी तो हम आपको प्री कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट का बेनिफिट दे देंगे 2 लाख रुपए। पहली बात आशा जी मैं आपकी बात समझ गया कि उसको कैपिटलाइज करना ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो पहली बात तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में, लेट आउट के केस में नहीं। अगर आप प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं और लेट आउट प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में अगर 10 साल भी लग गए तो पूरे 10 साल का इंटरेस्ट आप प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मानते हुए अगले 5 साल में इक्वली क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड में कहा कि अगर आपको 30,000 की बजाय 2 लाख की डिडक्शन लेनी है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विद इन 5 years कंप्लीट हो गई। उसमें भी देर आर प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स कि अगर बिल्डर ने रिटन में ये कमिट किया था कि मैं आपको इस पर्टिकुलर डेट तक पोजेशन दे दूंगा और वो डेट ऑफ पोजेशन अगर आपके डेट ऑफ लोन के विद इन 5 years है तो यहां पर असेसी की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, बिल्डर की। अगर आपके कारण डिले नहीं है, सिर्फ बिल्डर के कारण डिले है तो देर आर प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स की उस कारण से असेसी को पनिश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेनिफिशियल प्रोविजन है तो बेनिफिशियल प्रोविजंस की हमेशा लिबरल इंटरप्रिटेशन की जानी चाहिए जिससे कि लॉ का पर्पस अचीव। तो अगर आपके पास पूरा एग्रीमेंट है और उसमें लिखा हुआ दैट इज दैट विल बी द पर्टिकुलर डेट ऑफ पोजेशन और वो डेट ऑफ लोन के विद इन 5 years है तो दैट इज गुड एनफ, दैट इज गुड एनफ। और वो भी लेट आउट के केस में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। फ्रेंड्स वापस आते हैं पर्टिकुलर क्वेरी पे, दैट व्हाट आई एम डिस्कसिंग। मैं तो खुद क्वेरी के बीच में गायब हो गया। इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन से पहले मैं कुछ पूछ रहा था हमारे फ्रेंड से, चले आते हैं इंडेक्सेशन पे। इवन आई फॉरगॉट द क्वेरी व्हिच आई हैव आस्क्ड टू यू ऑल। फ्रेंड्स अब सवाल आता है कि उस पर्टिकुलर अमाउंट का इंडेक्सेशन, अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, इवन प्री कंस्ट्रक्शन भी होगा, इवन पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी होगा, अब उसका इंडेक्सेशन। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कैपिटलाइज कहां हुआ है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं हुआ, कैपिटलाइज कहां हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हुआ है। अगेन देयर आर प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो भी पार्ट बनेगा वो उस दिन से इंडेक्स होगा जिस दिन आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर बने। दैट मीन्स कि आपने जो अगले 15 साल में भी इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट का भी आप इंडेक्सेशन उस दिन से कंप्यूट करेंगे जिस दिन आपको वो प्रॉपर्टी अलॉट हो गई। द डे यू बिकम द ओनर
although it is quite possible कि मैंने EMIs last year में pay करी या current year में property बेची, but वो property मेरे को ownership मिली थी 2006 में, तो जो last year में भी interest pay किया उसका capitalization कहाँ से होगा, indexation कहाँ से होगा, 2006 से. Friends, for every payment practically I would have seen कि क्या किया जाता है कि जो जो पेमेंट होती है उसका इंडेक्सेशन सेपरेटली किया जाता है. नो, दैट इंडेक्सेशन मस्ट बी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन. तो अगले 15 सालों में भी जो इंटरेस्ट पे करा है वो भी आपका कैपिटलाइज माना जाएगा उस दिन जिस दिन आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी. और फ्रेंड्स उसका इंडिकेशन भी देखूं तो आपको कहां से मिल जाएगा, इनडायरेक्टली इसमें एक प्रिंसिपल निकल के आता है, क्या चीज, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन बी सिंगल. फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीपल हो सकती है बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक ही होगी, वो अलग अलग डेट्स की मल्टीपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं हो सकती. गौरव जी लेट मी एक्सप्लेन, मैं आता हूं अभी थोड़ी देर में वापस. फ्रेंड्स अगर आप आज के दिन जो हमारे पास ITR फॉर्म्स अवेलेबल है, फ्रेंड्स अगेन दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर ITR सॉफ्टवेयर रिलीज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसका स्क्रीनशॉट है. अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो वहां पर आपसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी. यहां पर कहीं ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा. फ्रेंड्स इस बार इन्होंने सॉफ्टवेयर में क्या किया है, आपको डेट ऑफ परचेज बतानी है अलग से. अभी तक हम देखते थे कि गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर में आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखनी होती थी, आपको डेट्स नहीं बतानी होती थी. नाउ यू हैव टू टेल डेट ऑफ परचेज, यू हैव टू टेल डेट ऑफ सेल, और फिर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी है. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय कंप्यूटर इटसेल्फ. फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर अपने आप कंप्यूट कर रहा है, आपको कंप्यूट नहीं करनी है. और यहां पर ऐड का ऑप्शन नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में जाता हूं तो आई कैन पुट मल्टीपल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहां पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है. इट मींस इवन द लॉ मेकर्स बिलीव दैट देयर कुड बी ओनली सिंगल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, देयर कैन नॉट बी टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देयर कैन नॉट बी टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. फ्रेंड्स जजमेंट्स भी यही कह रही है. अब प्रैक्टिकली फ्रेंड्स प्रॉब्लम कहां आएगी, मैं आपको बताऊं, जहां पर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो सकती है. आपने लैंड एक्वायर करी 2011-12 में, आपने उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी 2014-15 में. नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यू आर सेलिंग आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. फ्रेंड्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्डिंग का इंडेक्सेशन यहीं से होगा और लैंड का इंडेक्सेशन यहां से होगा, इसमें कोई आई डोंट थिंक सो देयर इज अ सेकंड थॉट. बट आप उसको फिगर को कैसे इनपुट करेंगे, मेरे को लगता है प्रैक्टिकली एक ही सॉल्यूशन बचता है कि बिल्डिंग का अमाउंट आपको यहां डालना पड़ेगा, आप बिल्डिंग का अमाउंट यहां नहीं डाल पाएंगे. आप इसको अगर सेग्रीगेट करके लिखेंगे और आप इसके अगेंस्ट अगर एग्जेम्पशंस ले रहे हैं तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगी. आई होप यू आर गेटिंग फ्रेंड्स. तो लैंड और बिल्डिंग अगर अलग अलग ईयर्स में है तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम व्हाइल फाइलिंग द ITR. दैट वी हैव टू टेक केयर दैट हाउ टू फिल द ITR, क्योंकि यहां पर लैंड और बिल्डिंग फ्रेंड्स इसमें जजमेंट है कि अगर बिल्डिंग विद इन लास्ट टू ईयर्स बनी है, पहले 3 साल का टाइम होता था प्रॉपर्टी में, तो अगर बिल्डिंग विद इन लास्ट टू ईयर्स बनी है तो उस केस में लैंड और बिल्डिंग को अलग माना जाएगा. बिल्डिंग के कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कहलाएंगे, लैंड के कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म कहलाएंगे. दैट मीन्स दे आर टू सेपरेट कैपिटल असेट्स. अब कंबाइंड सेल कंसिडरेशन है तो उसको डिवाइड भी करना है, दैट इज अगेन द प्रॉब्लम. एंड फ्रेंड्स इट हैपेंस मेनी टाइम कि अगर आप लैंड और बिल्डिंग के सेल प्राइस को सेग्रीगेट करेंगे तो पता चला कि लैंड तो आपने सर्कल रेट से ज्यादा में बेची है बट बिल्डिंग को सर्कल रेट से कम में बेचा है, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू कई बार बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इट काइंड ऑफ अ डेप्रिशिएबल असेट. अब आप उसका सर्कल रेट भी सेग्रीगेट करना पड़ेगा अगर आप इसको सेपरेटली दिखाएंगे, तो दैट मे लीड टू द प्रॉब्लम. तो वहां पर एक सॉल्यूशन यही है कि बिल्डिंग को आप रिटर्न फाइल करते समय कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में शो करें, या अगर बाद में नोटिस आता है तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, दैट वाई नीड टू फिल अकॉर्डिंगली. एंड आई डू नॉट थिंक सो दैट एनीवन कैन चैलेंज दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, क्योंकि आपने टैक्स सही पे किए, किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स इवेड नहीं किया.
गौरव वर्मा जी कह रहे हैं कि एक बार और बताएं, अगर बिल्डर के साथ एग्रीमेंट है कि 6 साल में पोजेशन देगा एंड प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, गौरव वर्मा जी सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सेक्शन 24 कहता है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं, बट वो 2 लाख के भी इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी है तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि आपने लोन लिया फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन, अगर रिपेयर रिन्यूअल के लिए लोन है तो आप 2 लाख का बेनिफिट नहीं ले सकते, उस केस में मैक्सिमम बेनिफिट 30,000 का मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो लोन लिया, जिस साल में लोन लिया, वो साल खत्म होने के बाद विद इन 5 ईयर्स आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर 2 लाख ऑफ डिडक्शन। अब मैंने लोन लिया ईयर 1 में, मैं बिल्डर के पास गया और बिल्डर ने कहा जी कि मैं आपको पोजेशन दूंगा ईयर 7 में, नाउ दैट इज मोर देन 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, जब वहां पर ऑलरेडी मेरे को पता था कि लोन ईयर के विद इन 5 ईयर्स मेरे को वहां पर पोजेशन नहीं मिलेगा, तो आई कैन नॉट क्लेम डिडक्शन ऑफ 2 लाख आफ्टर द पोजेशन। मेरे को मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 की मिलेगी, बट इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर लेट आउट है तो ये कोई भी कंडीशन वहां पर मैटर नहीं करती। आई होप आई एम क्लियर मिस्टर गौरव, जो आप पूछना चाह रहे थे। गौरव जी, अब देखिए क्या है, प्रोफेशनल है और स्पेसिफिकली लिटिगेशंस करते हैं, तो जब कोई स्टेटमेंट आती है ना तो दिमाग अपने आप ही उसके मल्टीपल अर्थ निकालने की, मीनिंग्स निकालने की कोशिश करता है। अब आपने लिखा सर क्लियर, सर अब क्लियर के भी 2 अर्थ हैं कि हाँ जी जो आपने कहा वो समझ में आ गया, एक है जी बिल्कुल साफ ही हो गया, तो दैट हैपन्स। चलते हैं जी आगे। अब यहां पर हमने एक प्रिंसिपल डिराइव किया कि इंटरेस्ट की मैं डबल डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं और लॉ भी मेरा सपोर्ट करता है, लॉ की लैंग्वेज के हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आप सबसे सवाल कि अगर मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है, रियल एस्टेट बिजनेस का मतलब मैं पूरी टाउनशिप डेवलप करता हूं, 800 फ्लैट्स की टाउनशिप बना रहा हूं, मेरा बिजनेस है इसमें कोई दोराय नहीं है, मैंने लोन्स ले रखे हैं ह्यूज बैंक से, प्राइवेट पर्सन से इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, अगर मैं टाउनशिप डेवलप कर रहा हूं, वी ऑल नो दैट इंटरेस्ट विच इज बीइंग इनकर्ड इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंस, मैं पीएनएल में उसको डेबिट करूंगा और जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करूंगा तो उसको उस इंटरेस्ट में इंक्लूड करूंगा। फ्रेंड्स, जब क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करते हैं तो पहले यह ध्यान रखना कि उसको हम कैपिटलाइजेशन वर्ड प्रैक्टिकली यूज करते हैं, बट क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन होती है और उस इंटरेस्ट को हम पीएनएल में फिर भी डेबिट करते हैं। जो इंटरेस्ट फिक्स असेट्स में कैपिटलाइज होता है वो पीएनएल के थ्रू रूट नहीं होता, वो डायरेक्टली बाहर हो जाता है, बट जो क्लोजिंग स्टॉक में इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता है दैट इज रूटेड थ्रू। प्रज्ञा जैन जी, आपसे निवेदन, अपने आप को म्यूट कर लें। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट की डिडक्शन पीएनएल के थ्रू मिलेगी, कोई दोराय नहीं है, वहां तक ठीक है जी, चलो रियल एस्टेट बिजनेस है, इंटरेस्ट में क्लेम करना। अब मेरा आपसे सवाल कि अगर रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, उसके पास अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, नहीं बिक रहे फ्लैट्स, और COVID-19 में आप सबको पता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने बड़े तरीके से बूस्ट देने की कोशिश करी बट मार्केट इज टोटली डाउन, अब उसके फ्लैट्स तो बिक नहीं रहे, ओनर कौन, दैट रियल एस्टेट बिजनेसमैन। क्या उन अनसोल्ड फ्लैट जिनको किराए पर नहीं दिया उसने, क्या उसके नॉशनल रेंट पे डीम टू बी लेट आउट मानते हुए क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में वो फ्लैट असेस होंगे? आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन कि बिल्डर के पास अनसोल्ड फ्लैट हैं जो कि उसके स्टॉक इन ट्रेड हैं, क्या उन अनसोल्ड फ्लैट को क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में असेस किया जाएगा? फ्रेंड्स, उन अनसोल्ड फ्लैट्स को हो सकता है बिल्डर ने किराए पे दे दिया, किराए पे दे दिया तो क्या वो किराया बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा या फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा? और अगर मैंने किराए पर नहीं दिया, खाली रखे हुए, मैंने कहा जी कस्टमर आएगा आएगा, मैंने किराए पर नहीं देना, तो क्या वो अनसोल्ड फ्लैट जो कि वैकेंट है विल दे बी असेस्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड? क्या उनके नॉशनल रेंट पे टैक्स लगेगा? एक हमारे पास व्यू आया सुरेश कुमार जैन जी का कि नहीं, अजीत जी का आया बीइंग स्टॉक नो, नो सर। चलो जी, मैं आपसे वापस सवाल पूछता हूं, उसको एक बार फिर छोड़ दीजिए,
मैं रियल एस्टेट बिजनेसमैन, मैंने अनसोल्ड फ्लैट्स किराए पे दे दिए, किराया कौन से हेड में टैक्सेबल? हमारे पास आया बिजनेस हेड। फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड की कंडीशन क्या है। हाउस प्रॉपर्टी हेड कहता है असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या रियल एस्टेट बिजनेसमैन अनसोल्ड फ्लैट्स का ओनर है? यस, दैट इज अ कंडीशन रिक्वायर्ड। दूसरी कंडीशन है वो बिजनेस के पर्पज से यूज ना हो। क्या रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने बिजनेस के पर्पज से अनसोल्ड फ्लैट्स को यूज किया है? फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी हेड इज स्क्वायरली एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर रियल एस्टेट बिजनेसमैन। अनसोल्ड फ्लैट्स हाउस प्रॉपर्टी हेड में असेस होंगे, आप चाहे उनको किराए पर दो या ना दो। फ्रेंड्स किराए पर दोगे तो भी, किराए पर नहीं दोगे तो भी। अब अगर अनसोल्ड फ्लैट्स को किराए पर नहीं दिया, फ्रेंड्स अब सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर। फ्रेंड्स वो फ्लैट इसलिए वैकेंट नहीं है कि किराएदार नहीं आया, वो फ्लैट इसलिए वैकेंट है कि रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने किराए पर नहीं दिया, तो मैं वैकेंसी अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। जो वैकेंसी का क्लॉज है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर केस में नॉशनल रेंट पे टैक्स लगेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में। And friends, there are several judgments, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर रियल एस्टेट बिजनेसमैन है तो उसके अनसोल्ड फ्लैट्स के ऊपर हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई होगा, और अगर वो खाली रखे हुए किराए पर नहीं दिया तो नॉशनल रेंट पे टैक्स देना पड़ेगा। गौरव जी देखिए प्रैक्टिकली, गौरव जी का कहना है क्या प्रैक्टिकली बिल्डर्स क्या डीम टू बी लेट आउट मानते हुए अनसोल्ड फ्लैट्स पे को टैक्स देते हैं? गौरव जी मैं प्रैक्टिकली कहूंगा नहीं देते। फ्रेंड्स प्रैक्टिकली देखिए क्या होता है, लोगों का तो एटीट्यूड ये है कि जब हम पैसा कमा के टैक्स नहीं देते तो बिना कमाए कैसे दे दें। यू ऑल नो द टैक्स पेयर्स, द एटीट्यूड ऑफ द मेनी टैक्स पेयर्स, स्पेसिफिकली द बिजनेसमैन लॉबी, कि वो पैसा कमाने के बाद टैक्स नहीं देते तो बिना कमाए तो पॉसिबल है ही नहीं। बट फ्रेंड्स एज पर लॉ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज स्क्वायरली कवर्ड अप बाय सेक्शन 22 रेड विद सेक्शन 23। और फ्रेंड्स जब ये जजमेंट्स आई कि उनके अनसोल्ड फ्लैट्स की नॉशनल अमाउंट पे टैक्स लगेगा, दे मेड द अमेंडमेंट इन सेक्शन 23। सेक्शन 23 में उन्होंने अमेंडमेंट करी अराउंड 4 or 5 years बैक, और फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर क्लॉज डाला। फ्रेंड्स ये क्लॉज असेसी के अगेंस्ट नहीं था, असेसी के फेवर में था। और क्या कहा कि अगर आपके लिए कोई बिल्डिंग और लैंड अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है और वो आपने किराए पर नहीं दी तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू 2 साल तक निल मानी जाएगी। 2 साल कहां से? जिस पर्टिकुलर ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है वो साल खत्म होने के बाद 2 साल, तो जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला वो प्लस 2 साल एनुअल वैल्यू कितनी मानी जाएगी? निल। नाउ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट वॉज इन फेवर ऑफ रियल एस्टेट बिजनेसमैन कि हम 2 से 3 साल हम आपसे कोई भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं लेंगे नॉशनल बेसिस पे। हाँ एक्चुअली किराए पे लोग है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। चलो जी आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन 23(5). और फ्रेंड्स ये अमेंडमेंट आने के बाद जो ये पर्टिकुलर डिबेट था कि अनसोल्ड फ्लैट्स हाउस प्रॉपर्टी हेड में कवर अप है या नहीं है, सेक्शन 22 में आएंगे नहीं आएंगे, ये अमेंडमेंट आने के बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि अनसोल्ड फ्लैट्स आर नथिंग बट पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। गौरव जी देखिए प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। गौरव जी का कहना है कि बिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। फ्रेंड्स गौरव जी दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस के थ्रू या किसी के थ्रू अगर आप लॉ को ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, देन देयर इज अ कांसेप्ट सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दैट कुड बी अप्लाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आप नोइंगली कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर रहे, ऑब्टेन नहीं कर रहे, वी विल डीम्ड दैट दैट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड क्योंकि आप पोजेशंस दिए जा रहे हो कस्टमर्स को, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। प्रीति अग्रवाल जी का बिल्कुल सही कहना है कि रेरा आने के बाद ये वैसे भी बहुत मुश्किल काम है।
वरुण जी आई नीड टू चेक आउट द जजमेंट जहां पर इन्होंने बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में असेस होगा, बट चार या पांच साल पहले अमेंड करके इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि हाँ दिस इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड, बट पहले दो साल तक हम इसकी एनुअल वैल्यू जीरो मानेंगे। दैट हैज बीन क्लियर्ड इटसेल्फ। अब मेरा सवाल क्या है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, मैं रियल एस्टेट बिजनेसमैन, मैंने 800 फ्लैट्स बनाए, उसमें से 600 फ्लैट तो बिक गए, 200 बाकी रह गए। अब एज पर सेक्शन 23(5) रेड विद ऑल अदर प्रोविजंस, फ्रेंड्स ये सेक्शन 23 में असेस होंगे। मैं इसमें भी इंक्लूड करके चल रहा हूं फ्रेंड्स, लेट मी इंसर्ट अ ब्लैंक स्क्रीन इन दिस पर्टिकुलर केस। फ्रेंड्स 200 फ्लैट अनसोल्ड है, 200 फ्लैट क्या है, अनसोल्ड। मैं मान लेता हूं मैंने इनको लेट आउट कर दिया एंड आई एम रिसीविंग 20 करोड़ ऑफ रुपीज रेंट। फ्रेंड्स पर फ्लैट मत निकालना, मैंने एक एज्यूम फिगर ले ली। अब इधर मैंने 800 फ्लैट्स के लिए टिल डेट इंटरेस्ट इंकर किया था। नाउ फॉर एग्जाम्पल 24 CR, ये 24 CR में सेक्शन 36(1)(3) में क्लेम कर चुका और हो सकता है मैंने जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करी 200 फ्लैट की उसमें इंक्लूड भी कर दिया, पॉसिबल। कहने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक में अगर चला भी गया तो जब भी मैं क्लोजिंग स्टॉक बेचूंगा तो आई विल गेट बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये 24 करोड़ का बेनिफिट मैं ऑलरेडी सेक्शन 36(1)(3) में ले चुका हूं, पीएनएल में डेबिट कर चुका हूं। सवाल ये है कि इस 24 करोड़ में से 24 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 200 फ्लैट्स डिवाइडेड बाय 800 फ्लैट्स, मैंने 200 ही किराए पे दिए बाकी तो बेच चुका, दैट मीन 6 करोड़। क्या इस 6 करोड़ का बेनिफिट सेक्शन 24 में ले सकता हूं? हाँ जी फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग द माय क्वेश्चन? मैं रियल एस्टेट बिजनेसमैन हूं, मैंने बैंक से लोन लिया था, उसके इंटरेस्ट की लायबिलिटी में 24 करोड़ इंकर कर चुका हूं, मैंने पीएनएल में डेबिट भी करा, क्लेम भी करा, क्लोजिंग स्टॉक 200 फ्लैट का, उसका वैल्यूएशन करके उसमें जोड़ भी दिया। सवाल यह है क्या उस 24 करोड़ के कारण हाउस प्रॉपर्टी हेड में उस इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं? प्रीति अग्रवाल जी का कहना है यस। एनी रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट? प्रीति जी, अजीत जी, सुनील जी, क्यों लगता है कि मुझे इस इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा? मैं ऑलरेडी ये इंटरेस्ट सेक्शन 36(1)(3) में क्लेम कर चुका हूं। प्रीति जी का कहना है क्योंकि रेंट पे हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स ले रहे हो। फ्रेंड्स अगेन द सेम प्रिंसिपल, हाउस प्रॉपर्टी हेड में या बिजनेस हेड में कहीं पर भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखी कि खर्चा अगर किसी और हेड में मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर हेड में नहीं मिलेगा। व्हेन यू आर अप्लाइंग टू हेड्स ओवर अ सिंगल असेट, जब आप दो हेड्स अप्लाई कर रहे हो तो दोनों हेड्स के कैलकुलेशन मैकेनिज्म सेपरेट चलेंगे इररेस्पेक्टिव कि उसका बेनिफिट कहीं दूसरी जगह मिलता है या नहीं मिलता है। फ्रेंड्स ये तो एक्चुअली लेट आउट है, जब आप नॉशनल रेंट पे टैक्स लगा रहे हो तो डबल डिडक्शन क्यों नहीं? फ्रेंड सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, जो राजा गोपाल के केस में देखा, ना तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है ना ही बिजनेस हेड में कोई रेस्ट्रिक्शन है, आई कैन क्लेम दिस पर्टिकुलर 6 करोड़। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं कि पहले दो साल तक एनुअल वैल्यू कितनी मानी जाएगी? निल। नाउ द माय क्वेश्चन अराइजेस कि इन पर्टिकुलर फर्स्ट 2 ईयर्स में क्या मैं 6 करोड़ के इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 में ले सकता हूं और कह सकता हूं कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस 6 करोड़ रुपए का? नाउ व्हाट डू यू से फ्रेंड्स? फ्रेंड्स पहले दो साल तक एनुअल वैल्यू जीरो है, कैन आई क्लेम डिडक्शन ऑफ रुपीज दिस 6 CR या ये डिडक्शन 2 लाख रुपए पर फ्लैट की मिलेगी या पूरे 6 करोड़ रुपए क्लेम कर लूं या बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलेगी? 3 ऑप्शंस, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नो डिडक्शन,
₹2 lakh पर फ्लैट और फुल 6 CR 200 फ्लैट अनसोल्ड, एक भी मैंने किराए पर नहीं दिया, उसकी नॉशनल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो रही है। फर्स्ट, क्या मैं डिडक्शन नहीं ले सकता? ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, डिडक्शन ले सकता हूं बट ₹2 lakh पर फ्लैट। तीसरा ऑप्शन, पूरे 6 करोड़ की डिडक्शन मिल जाएगी। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, वो जो 2 लाख की रेस्ट्रिक्शन है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू 0 है तो इस कारण से सेक्शन 24 में कहीं पर भी लिखा कि डिडक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। वो तो ये कहता सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख। फ्रेंड्स यहां पर अगर एनुअल वैल्यू निल भी है तो भी आप 6 करोड़ की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर केस में 2 लाख तक का लॉस तो सेट ऑफ कर पाएंगे बाकी कैरी फॉरवर्ड को। और अगर आप न्यू रिजीम में है तो ये लॉस सेट ऑफ ही नहीं होगा, पूरा का पूरा लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। Or if you are having any other income underhead a house property, obviously this loss can be set off in that particular aspect. Friends, in my view, that is a interpretation. Again, in support, I have Raja Gopal Rao judgment, and I do not think so any problem in this particular aspect. Because sections mein aisi koi bhi restriction impose nahi karna. Same principle. Aap ek asset ko jab do heads mein assess karoge, to main dono ke computation mechanism independently apply karo. फ्रेंड्स एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेज, कोई भी आपका सवाल? अजीत जी, लॉस तो 8 साल तक, सेक्शन 71 कैपिटल बी दैट सेज दैट लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अप टू 8 इयर्स। प्रीति अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अगर स्टॉक को फिक्स असेट्स में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक को फिक्स असेट्स में, देखिए प्रीति अग्रवाल जी, उसमें इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर आप स्टॉक को फिक्स असेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो उस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको सेल प्राइस माना जाएगा, दैट विल बी असेस्ड अंडर बिजनेस हेड। तो वहां पर जो स्टॉक का कैलकुलेशन है वो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल लेने पड़ेंगे रेड विद ICDS, क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कोई अलग से प्रोविजन इनकम टैक्स में नहीं है अदर देन ICDS। और रियल एस्टेट के केस में अगर मैं देखूं तो ICDS ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता, आपके नॉर्मल क्या कहते हैं इवन ICDS 2 भी अप्लाई नहीं होगा इन्वेंटरी वैल्यूएशन का, क्योंकि वो रियल एस्टेट्स को उसमें एक्सक्लूड करता है। तो अगर आप स्टॉक को कन्वर्ट करेंगे फिक्स असेट्स में तो वहां पर जो बुक्स के अकॉर्डिंग आपने इंटरेस्ट क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ा है वही आप क्लेम कर पाएंगे, उसके बियॉन्ड आपको अलाउ नहीं हो। संदीप जी, इंटरेस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, आप बिजनेस हेड में तो सारा इंटरेस्ट क्लेम करेंगे व्हाट एवर यू आर इंक्रीज, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जितने फ्लैट अनसोल्ड हैं उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से आप इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेक्शन 24 में क्लेम कर सकते। गौरव जी कह रहे हैं अगर मैंने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया और आगे कोई रेंट इनकम नहीं आती देन व्हाट विल हैपन। तो गौरव जी उस केस में देखिए, अगर 8 साल तक कोई भी रेंट इनकम नहीं आती तो वो लॉस आपका डेड लॉस हो जाएगा, फिर आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। मनोज जी, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट की डिडक्शन ही 2 लाख अलाउड है, 50,000 का डिडक्शन तो आप भूल जाइए कि आपने इंटरेस्ट इंकर भी किया था, मैक्सिमम इंटरेस्ट इज अलाउड 2 लाख। अब आपका 2 लाख का लॉस आ गया, अगर वो आप ओल्ड रिजीम में है तो आप उस 2 लाख के लॉस को बाकी हेड्स की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। संदीप गुप्ता जी कह रहे हैं 24 करोड़ का इंटरेस्ट तो मैंने PGBP हेड में ले लिया और 6 करोड़ का हाउस प्रॉपर्टी। यस संदीप जी, दैट व्हाट आई एम कन्वेइंग, 24 करोड़ आपको PGBP हेड में बेनिफिट मिलेगा और 6 करोड़ का हाउस प्रॉपर्टी में बेनिफिट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, अगला सवाल, ब्रोकरेज फॉर लेटिंग आउट, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। फ्रेंड्स जनरली मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं या प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में ब्रोकर ब्रोकरेज डिमांड करता है।
अगर मैंने बिजनेस पर्पज से किराए पे लिए या मेरा बिजनेस है लीजिंग आउट का, तो ब्रोकरेज के एक्सपेंसेस का बेनिफिट मेरे को मिल जाता है, दैट इज क्लियरली अलाउड बाय सेक्शन 37, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब मान लो मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 1,00,000 रुपए महीने का किराया आना है, और मैंने ब्रोकर के थ्रू किराए पे दिया, आई एम गेटिंग दैट पर्टिकुलर, आई एम पेइंग दैट पर्टिकुलर ब्रोकरेज टू द ब्रोकर, और जनरली ब्रोकरेज आपको पता है 15 दिन या 30 दिन के बराबर वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। सवाल यह है कि मैंने जो ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करी, कैन इट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम माय रेंट इनकम, टैक्सेबल रेंट इनकम? लीगली आई एम आस्किंग एंड नॉट लॉजिकली। मैंने जो ब्रोकर को ब्रोकरेज पे करी, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करते समय किसी भी प्रकार से उसको रिड्यूस कर सकता हूं एज पर लॉ? क्यों नहीं? एनी रीजन एनी वन ऑफ यू व्हाई यू फील सो? कहां रेस्ट्रिक्शन लिखी है लॉ में? अजीत जी ने कहा इट इज कवर्ड इन 30%, प्रीति जी कह रही है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इज अलाउड, ओके। फ्रेंड्स आपकी बात मैं मानता हूं कि देखिए लॉ मेकर ने जब हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉ बनाया तो उन्होंने कहा जी हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, हमें खर्चों के डिस्प्यूट में नहीं जाना। वहां पे कंप्यूटेशन मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर है कि आप रेंट में से सिर्फ 3 चीजें लेस कर सकते हैं, एक तो म्यूनिसिपल टैक्सेस, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, और तीसरा आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जब सेक्शन 24 या सेक्शन 23 आपको कोई चीज रिड्यूस करने की पावर ही नहीं दे रहा, तो यू कैन नॉट रिड्यूस इट। एंड आई गॉट योर पॉइंट। हो सकता है लॉ मेकर ने जब लॉ बनाया तो वो ब्रोकरेज भी उन्होंने 30% में अकाउंट फॉर किया हो, बट लॉ में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एक्चुअल खर्चा इनकर किया। आप एक्चुअली रिपेयर्स करवाते हैं नहीं करवाते हैं, वट एवर द केस मे बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड। अब मैं क्वेश्चन को फ्रेंड्स दूसरे रूप में पूछूंगा, दूसरा एग्जांपल लेते हुए। नाउ फॉर एग्जांपल मिस्टर ए की डेथ हो गई, मिस्टर ए डाइस। अब इधर तो है मिसेज ए और इधर है A1। मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही होगी। A1 इज लीगल हेयर ऑफ मिस्टर ए, लीगल हेयर नहीं कहूंगा, सन ऑफ मिस्टर ए, और इधर है मिसेस। मिस्टर ए समझदार थे, प्रैक्टिकल आदमी थे, वो अपनी विल में लिख के गए कि मेरे मरने के पश्चात मेरी ये प्रॉपर्टी A1 की, मेरे मरने के पश्चात ये प्रॉपर्टी किसकी? A1 की। बट विल में उन्होंने कंडीशन इंपोज करी कि A1 को ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रेंट पर देनी पड़ेगी, ही कैन नॉट यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, और रेंट का 40% मिस्टर A1 मिसेज A को पे करेंगे और 60% वो खुद रिटेन कर सकते। मतलब मिस्टर A1 को जो प्रॉपर्टी मिली दैट वाज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि उनको किराए पर देनी पड़ेगी और उस किराए में से 40% रेंट उनको हर महीने मिसेज ए को देना है और 60% वो खुद रिटेन कर सकते हैं। समझदार आदमी है फ्रेंड्स। इनडायरेक्टली आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कि ये कोविड सिनेरियो देख चल रहा है, किसी का कुछ नहीं पता कल क्या होगा। इट इज हाईली एडवाइजेबल दैट वी शुड ऑल प्रिपेयर विल, प्रॉपर विल, फ्रेंड्स, टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द किथ एंड किन्स रिलेटिव्स की। फ्रेंड्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन इंडिया ये प्रूव करना तो आसान है कि हम दो भाई हैं, बट ये प्रूव नहीं कर सकते कि हम दो ही हैं तीसरा नहीं है। देर इज नो वे, देर इज नो सच काइंड ऑफ डाटाबेस। कोई भी क्लेमेंट खड़ा हो गया फ्रेंड्स, 20-20 साल तक फाइट चलती रहती है। लोग मैंने देखा है विल में लिखते हैं क्या चीज कि मेरी ये प्रॉपर्टी मेरे दो मेरे बच्चों में बराबर बराबर बांट दी जाए। अरे लिख देते ना कितने बच्चे हैं, प्रॉब्लम क्या थी? लिख देते दो हैं, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी, प्रॉब्लम क्या थी? मेरे बच्चों में बराबर बांट दी जाए, क्या फायदा हुआ ऐसी बिल का? फ्रेंड्स माय द क्वेश्चन अराइजेस कि इस पर्टिकुलर केस में जो रेंट आएगा, अब ओनर कौन? A1 इज मिसेज ए ओनर? नो। सवाल यह है कि अब कितना रेंट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, असेसेबल होगा? एक हमारे पास सुरेश जी का जवाब आया
कि A1 के हाथ में 60% रेंट टैक्स होगा, पूरा 100% नहीं होगा, और मिसेज A को 40% पे टैक्स देना पड़ेगा। संदीप जी उस पर अलग से डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यहां पर A1 के लिए इनकम कितनी है, 60% एंड नॉट 100%। अगर मेरे लिए कोई इनकम का सोर्स अराइज होता है और सोर्स अराइज होने के साथ ही वो पैसा मुझे किसी और को देना है तो वो पैसा मेरे लिए है ही नहीं। सोर्स क्रिएशन के समय ही अगर लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो आई एम कलेक्टिंग दैट 40% रेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ समवन एल्स। आई एम जस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज कलेक्टिंग द रेंट। मैं कलेक्टर के रूप में काम कर रहा हूं, वो एक्चुअली इनकम मेरी नहीं है। आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू पे इट टू द मिसेज ए। When the concept is there in the law, diversion of income by overriding title. And in this case, Mr. A1 के हाथ में 60% rent assess होगा, 40% rent Mrs. A के हाथ में assess होगा, Mr. A1 के हाथ में assess नहीं होगा। Diversion of income by overriding title, when it will apply? When the liability is created, the outflow is decided at the time of creation of the source of income itself. जब मेरे लिए इनकम का सोर्स क्रिएट हुआ उसी समय अगर लायबिलिटी डिसाइड हो गई तो वो इनकम मेरी नहीं है। गौरव जी आपकी बात मानी कि वो ऑनर है बट एक्चुअल रेंट इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर A1 इज 60%। फ्रेंड्स इस पे जजमेंट्स के इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल फर्म्स, लाइक जनरली इफ वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल फर्म्स CA फर्म्स, वहां पर अकाउंटिंग कैश बेसिस पे होती है। अकाउंटिंग कैसे होती है? कैश बेसिस पे। फ्रेंड्स वहां पे कैलकटा हाई कोर्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर इज अ जजमेंट, वहां पर तीन पार्टनर थे, फॉर एग्जांपल एबीसी। मिस्टर ए की डेथ हो गई पर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि अगर एक पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद अगर पुरानी सर्विस के कारण अगर फ्यूचर में भी कोई पैसा आएगा तो उसका 25% जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा। सर्विसेज पुरानी, पैसा कब मिल रहा है? डेथ होने के बाद। अब एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट पार्टनरशिप फर्म इज फॉलोइंग इज ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब फर्म के हाथ में वो फ्यूचर रिसीट्स इनकम कब बनेगी? फ्यूचर में। बट एज पर पार्टनरशिप डीड उसका 25% किसको देना है? मिस्टर ए के लीगल हेयर्स को। वहां पर कोर्ट के पास सवाल यह आया, क्या फर्म के हाथ में पूरी 100% रिसीट्स टैक्सेबल होंगी या 75% होंगी? कोर्ट ने कहा द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल इज अप्लाइड, रिसीट इनकम आने से पहले ही आउटफ्लो डिसाइड हो गया, देयर वाज अ लायबिलिटी व्हिच वाज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ द पार्टनरशिप डीड इटसेल्फ। तो वहां पर उन्होंने कहा कि फर्म के हाथ में 75% टैक्सेबल होगा, 100% टैक्सेबल नहीं। एंड फ्रेंड्स इन माय व्यू द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इन द केस ऑफ ब्रोकरेज फॉर लेटिंग आउट। कि मैंने जब एक पर्टिकुलर ब्रोकर को बोला कि मेरे पर्पस से आप मेरे लिए इस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाएं, तो जब किराए पर तो अभी इनकम आई नहीं, अभी तो वो इनकम का सोर्स ही क्रिएट नहीं हुआ, बट सोर्स क्रिएट होने से पहले ही एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि 1 month के इक्विवेलेंट किराया मुझे देना पड़ेगा टू दैट पर्टिकुलर ब्रोकर, एंड दैट इज नथिंग बट डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। And friends, on this particular principle only, in the case of Govind S. Singhania, friends, the judgment was given in the favor of the assessee. But ठीक है, against में भी judgment है, Radiant Premises के केस में. But friends, यहाँ पे मैं facts को differ करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो brokerage थी, that was equivalent to 1 month. और यहाँ पर I am not able to recall the exact figures, but यहाँ पर क्या हो रहा था, friends, property दी तो 4 या 5 साल के लिए किराए पे थी, but वो जो brokerage थी, that was somewhere around equivalent to 11 months rent. तो वहां पर इट मे बी पॉसिबल दैट इट सीम टू बी समवट अनजस्टिफाइड, क्या ये जस्टिफाइड नहीं है? तो समटाइम्स इट हैपेंस कि कोई चीज अनजस्टिफाइड होती है तो कोर्ट्स असेसेस के अगेंस्ट दे देती हैं, बट आई पर्सनली बिलीव दैट दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। फ्रेंड्स यहां पर देखिए पर्पस क्या है, मेरे को बेटर रेंट मिले। अगर मैं ब्रोकर को इन्वॉल्व नहीं करता तो शायद हो सकता था बेटर रेंट मिले। और दूसरा यहां पर मैं लॉजिक लगाऊंगा क्या चीज, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, कि इनकम के सोर्स क्रिएट होने से पहले ही आई एम लायबल टू पे दैट 1 month रेंट टू द ब्रोकर। आई होप आई एम क्लियर फ्रेंड्स। चलते हैं
Friends, anything you would like to ask up to this particular stage? Thank you, Gauravji. Friends, is that method of discussing is perfect enough? अगर आपको लगता है अभी भी कोई चेंज करना है तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू चेंज फॉर नेक्स्ट 25 मिनट्स और 30 मिनट्स. अजीत जी, यस, यू कैन नेट इट ब्रोकरेज रिलाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर जजमेंट एंड द व्यू. डिस्प्यूट्स मे बी देयर दैट यू हैव टू फेस एनफ. हमारे पास एक छोटी सी क्वेरी आई कि बिल्डर के पास एक प्रॉपर्टी बुक कराई 1 अप्रैल 2019 को, उसकी रजिस्ट्री हुई 1 अप्रैल 2021 को और प्रॉपर्टी बेची 1 अप्रैल 2023 को. क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? देखिए मनोज जी, अगर आप ये मानते हो कि आप ओनर बने 1 अप्रैल 2021 को तो ये प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होने के लिए 2 साल से ज्यादा चाहिए. अगर आप 1 अप्रैल 2021 को रजिस्ट्री कराते हैं और 1 अप्रैल 2023 को बेचते हैं, दैट इज एग्जैक्टली 2 ईयर्स. बट वी हैव प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स जहां पर ये कहा कि अगर आप बिल्डर के पास फ्लैट बुक करते हैं तो जिस दिन आपको फ्लैट अलॉट हो जाता है, सिर्फ बुकिंग इज नॉट मोर देन एनफ. उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि दिस पर्टिकुलर फ्लैट विल बी गिवन टू यू वेदर इट इज कंस्ट्रक्टेड और नॉट, तो देयर आर प्लेथोरा ऑफ जजमेंट की उस दिन से आपको ऑनर माना जाएगा, उसी दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगी और उसी दिन से आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं. तो इन योर एग्जांपल रिलाइंग अपॉन दोस पर्टिकुलर जजमेंट्स, इट विल बी लॉन्ग टर्म. पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी काउंटेड फ्रॉम 1st of April 2019. There are plethora of judgments. If from the date of allotment you can go for. चलते हैं जी आगे. फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना आप यहाँ पे फैक्ट्स क्या है. सेक्शन 54F के. सेक्शन 54 ऑल एफ वी ऑल नो. मैंने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, मैंने जिस दिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया उस दिन मैक्सिमम मेरे पास एक ही रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. और मैं उन सेल प्रोसीड से जो मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा उसके सेल प्रोसीड से मैं एक नया रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर कर लूं, अगर मैं परचेज कर रहा हूं विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स और अगर कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूं तो विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं जितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा. फिर वहां पर एक कंडीशन और है कि मेरे को अगले 2 साल या 3 साल के अंदर कोई नया रेजिडेंशियल हाउस और एक्वायर नहीं करना. फ्रेंड, सेक्शन 54 में प्रॉब्लम नहीं है. 54 कहता है रेजिडेंशियल हाउस बेचो, रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो, ऑलरेडी कितने और खरीदते हो मैटर नहीं करता, 1-to-1 कोरिलेशन चलेगा, काम खत्म. बट 54F कहता है कि अगले 2 साल या 3 साल का जो पीरियड दिया है उसके अंदर आप और कोई नया रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपकी पुरानी एग्जेम्पशन विदड्रॉ कर ली जाएगी. एंड आई थिंक दैट कंडीशन इज नोन टू यू ऑल. अब फैक्ट्स ये है कि मैंने एक पर्टिकुलर ज्वेलरी बेची 5 मई 2019. मैंने उसके सेल प्रोसीड से एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली 18 जुलाई 2020 को और मैंने ज्वेलरी के जो कैपिटल गेन्स आए थे उसके एग्जेम्पशन क्लेम कर ली सेक्शन 54F. पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है. आई एम एज्यूमिंग कि मैं 5 मई 2019 को और 18 जुलाई 2020 को बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा था. नाउ कमिंग टू दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि मैंने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट और बेचा 19 जुलाई 2020 को. नाउ फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, and I'm having huge capital gains. मैंने कहा यार shares के केस में यार capital gains आ रहे हैं, I wish to go for exemption. Friends, shares के केस में अगर आपको exemption का benefit लेना है, then only section is allowed 54F. Even 54 का भी benefit नहीं मिलेगा. और कोई section पूरा ही नहीं होता. Section 54 नहीं जा सकते, 54B नहीं जा सकते, 54EC में नहीं जा सकते. Shares पे long term capital gains आ रहा है, want to claim benefit. The only exemption possibility is section 54F. But 54F में लिखा है कि अगले 2 साल या 3 साल तक आप और कोई house acquire नहीं कर सकते. Now what to do? हाँ जी दोस्तों, क्या कोई planning दिमाग में आती है? चलो जी मैं आपको hint देता हूं कि सेक्शन 54F में लिखा है यू कैन नॉट एक्वायर एनी न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन नेक्स्ट 2 इयर्स और कंस्ट्रक्शन इन 3 इयर्स. ये 2 साल और 3 साल कहां से काउंट होंगे? मुझे एक और घर नहीं लेना. ये 2 साल 3 साल क्या 5 मई 2019 से काउंट होंगे या 18 जुलाई 2020 से काउंट होंगे? हाँ जी दोस्तों,
ये जो मुझे एक और नया घर नहीं लेना, क्या वो मई 2019 से काउंट होंगे या जुलाई 2020 से होंगे? फ्रेंड्स दो ही ऑप्शन है और दोनों ही आंसर आ रहे हैं हमारे पास, मई 19, जुलाई 20, वी आर गेटिंग बोथ द आंसर्स। फ्रेंड्स 54F सेक्शन इज वेरी क्लियर कि आपको इससे 2 साल या 3 साल पहला रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर करना है बाय वे ऑफ परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, दूसरा रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर नहीं करना। ये 2 साल और 3 साल फॉर बोथ द पर्पसेस मई 2019 से काउंट होंगे, एक्वायर नहीं करना है। ये पॉइंट क्लियर है सबसे पहले कि जो नया रेजिडेंशियल हाउस नहीं लेना वो कहां से पीरियड काउंट होगा, मई 2019 से। चलो ये क्लियर हो गया। अब कोई टैक्स प्लानिंग दिमाग में आती है, मैंने शेयर्स बेचे हैं और मैं शेयर्स के कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन लेना चाहता हूं, ओनली ऑप्शन इज 54F, क्या कोई तरीका समझ में आता है? 19 जुलाई 2020 को मैंने शेयर्स बेचे, क्या कोई तरीका समझ में आता है कि 54F में बेनिफिट ले लूं? एक आंसर आया मई 2021 के बाद एक्वायर कर लेंगे, ओके जी, तब तक 2 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है जी। एक ऑप्शन तो आ गया कि हमारे पास मई 21। फ्रेंड्स इन डेट्स को अगर मैं मैनिपुलेट कर दूं एक बार के लिए तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उससे पहले ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आ जाए। थोड़ा सा अगर मैं डेट्स को चेंज करूं, मान लो ये मई की बजाय मैं क्या कर दूं, इसको मैं चेंज कर देता हूं दिसंबर 2019 कर देता हूं। नाउ व्हाट टू डू? अब 2 साल कहां से काउंट होंगे, दिसंबर 2019 से दिसंबर 2021, जुलाई 20 में मैंने एक नए मैंने शेयर्स ट्रांसफर किए ना, वांट टू क्लेम द डिडक्शन एग्जेम्पशन 54F, नाउ व्हाट टू डू? फ्रेंड्स लॉ में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखी कि अगले साल आप 54F के एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, लॉ में लिखा है कि आपको कोई नया घर एक्वायर नहीं करना विद इन नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर। मैं यहां पर क्या करूंगा, जो मेरे शेयर्स के प्रोसीड आएंगे उनको कहां जमा करा दो, कैपिटल गेन अकाउंट। वेरी परफेक्ट आशा जी, कहां जमा करा दू, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, एंड आई कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F, और उस पर्टिकुलर केस में मेरे को पीरियड मिल गया। अब मैं दिसंबर 21 क्रॉस होने के बाद नया असेट परचेज कर लूंगा। अगर कंस्ट्रक्शन करवाना है तो मैं वो कंस्ट्रक्शन का जो भी 3 साल का पीरियड है मैं कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से स्टार्ट कराऊंगा कि वो कंप्लीट कब हो, 3 साल के बाद। एंड दैट इज परफेक्ट एंड फ्रेंड्स, लॉ ये चीज परमिट कर रहा है, कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं है। आपने ऐसा यहां पर कोई टैक्स अवॉइडेंस नहीं करा है, that is a perfect tax planning that you are going for. Is it clear friends, the tax planning? चल सकते हैं आगे, चलिए आते हैं friends, कुछ particular aspect discuss करते हैं। और friends ये कुछ नए trends चालू हुए हैं after that era of COVID, और इनके कारण कुछ नए क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं इनकम टैक्स लॉ के तहत। देखिए एक तो कल्चर आ गया है, या जो भी कहते हैं मजबूरी है, वर्क फ्रॉम होम, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन, कि घर से काम करना है। दूसरा क्या हो गया फ्रेंड्स, अब ऑफिसेस जाने की बजाय क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करने लग गए कि हॉस्टल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लग गए, कि बाहर से लोग आते हैं ठीक है, उनको काम करना है, रहने की जगह चाहिए। हॉस्टल क्या होता है, 1 महीना 2 महीना, ये कंसेप्ट चल पड़ा स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास। हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो उनके रहने के लिए जगह चाहिए, तो हॉस्पिटल के आसपास क्या होता है, वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, मे बी 3 स्टोरी मे बी 4 स्टोरी, और उसको छोटे छोटे रूम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर यूजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ हॉस्टल और फॉर द स्टे ऑफ द पेशेंट्स। कहने का मतलब वहां पर जो लोग आके रहते हैं, दैट इज फॉर 1 month 2 months मे बी 10 days, बट यूज होता है रेजिडेंस के पर्पस, कोई कमर्शियल एक्टिविटी एज सच नहीं हो रही, कहने का मतलब रहने के लिए यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई सोल्ड अ पर्टिकुलर रेजिडेंशियल हाउस
और उसके बेसिस पे मैंने दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लिया। मैंने उसको छोटे छोटे रूम्स में कन्वर्ट किया और मैं उसको स्टे करने के पर्पज से रेंट पे लिया। पर्पज ये क्या सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकता हूं? I hope I am clear with the particular question. एक particular residential property है, 3-story, 4-story, 3 BHK के flats बने हुए हैं। मैं उनको किराए पे देता हूँ लोगों के लिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 10 दिन के लिए। That is quite normal in nature after COVID era scenario. Friends, ये बहुत normal है। सवाल ये है कि उस नई property को जो मैंने acquire किया उसके basis पे क्या section 54 में exemption का benefit ले सकता हूँ? सुरेश कुमार जी का कहना है क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं करी। फ्रेंड्स अल्टीमेटली सामने वाला आके रह रहा है, सिर्फ फर्क इतना है कि जनरली हम किराए पे देते हैं। देखिए किराए के ऊपर कारण 54 में इंपैक्ट नहीं आता। अगर मैंने कोई फ्लैट बनाया और उसको मैं किराए पे दे रहा हूँ 11 महीने, 2 साल, 5 साल, सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन अलाउड है। सेक्शन 54 ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आप सेल्फ ऑक्यूपाई करो या किराए पर दो। सिर्फ अब यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि मैं 11 महीने किराए पे देने की बजाय मैं 1-1 महीने के लिए किराए पे दे रहा हूँ। फ्रेंड्स रेजिडेंशियल एरिया में है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रेजिडेंशियल है, कोई दोराय नहीं है वहां पर। सिर्फ यूज में थोड़ा सा फर्क आ गया कि एक तो मैंने एक फ्लैट सिंगल फैमिली को किराए पे दिया 11 महीने के लिए और मे बी मोर देन दैट। सिर्फ यहां पर फर्क इतना है कि मैं 1-1, 2-2 महीने के लिए किराए पे दे रहा हूं, वहां पर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। फ्रेंड्स ये अमर्जिंग ट्रेंड से देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई जजमेंट अवेलेबल है, मे बी हो सकता है कोई पुराने जजमेंट्स हो इस तरीके की, बट दीज आर द अमर्जिंग क्वेश्चंस अराइजिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। फ्रेंड्स सिर्फ इस कारण से कि मैं पहले 11 महीने के लिए किराए पे देता था और मैं 2-2 महीने के लिए किराए पे दे रहा हूँ, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ विल चेंज। अल्टीमेटली आई एम गिविंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस ओनली, और रेजिडेंस में ये जरूरी नहीं है मेरा खुद का रेजिडेंस और रेजिडेंस मे बी ऑफ समवन एल्स। फ्रेंड्स ऐसे तो मान लो मैं एक प्रॉपर्टी किराए पर देता हूं एक कंपनी को और कंपनी वो अपने एम्प्लॉय को दे देती है। अब कंपनी के लिए बिजनेस एक्सपेंस है, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट डूइंग देयर बिजनेस। फ्रेंड्स एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि अगर कंपनी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ओनर है और वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर वो आउटसाइडर को किराए पर देती है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा, बट अगर वो ही प्रॉपर्टी वो अपने एम्प्लॉय को दे देती है maybe with rent maybe without rent, तो वो प्रॉपर्टी बिजनेस हेड में असेस होगी और प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कंपनी को अपने बिजनेस को अफेक्टिवली कैरी ऑन करने में असिस्ट कर रही है। बट मैं किराया ले रहा हूं, मैंने प्रॉपर्टी कंपनी को किराए पे दी और कंपनी उसको एम्प्लॉय को रहने के लिए देती है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी रहने के लिए यूज हो रही है, चाहे वो कंपनी के थ्रू हो चाहे डायरेक्टली मैं किसी किराएदार को। फ्रेंड्स आई थिंक सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एंड दैट रेंट शुड बी असेस्ड अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली एंड नॉट अंडर बिजनेस हेड और अदर सोर्सेज। क्या सिर्फ इस कारण से चेंज कर दूं कि 11 महीने की जगह मेरे किराएदार 1-1 महीने रुके गए हैं? क्या इस कारण से चेंज कर दूं कि किराएदार 1 की बजाय 4 है? मैंने एक फ्लोर पे 4 रूम्स बनाए और मैंने वहां पे 4 लोगों को रहने के लिए दे दिया, तो हाउ डज इट मेक ए डिफरेंस? मैं कहूंगा जी 4 रूम अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। अगला सवाल, अभी तक फ्रेंड्स क्या होता था, प्रॉपर्टी किराए पर दी, मैंने कहा जी 3 साल के लिए किराए पर है, काम खत्म, रेंट पर मंथ फिक्स हो गया, 1 लाख रुपए महीना आपको रेंट। अब जनरली शॉप्स के केस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वहां पर COVID-19 आने के बाद जो टेनेंट आता है जो शॉप में बिजनेस करना चाहता है वो कहता है भाई साहब कुछ नहीं पता कमाई होगी या नहीं होगी। वो किराएदार से कहता है कि भाई साहब देखो MG तो मैं आपको ये दे दूंगा मिनिमम गारंटी कि मैं आपको 40,000 रुपए महीना तो दूंगा ही दूंगा, बाकी एक काम करो मेरा जितना टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का फॉर एग्जाम्पल 5% ऊपर अलग से दे दो। That is revenue sharing model. मैंने उसको प्रॉपर्टी किराए पर दी और मेरा जो रेंट है that will be fixed plus variable. It may be fully variable also. Please remember, fully variable भी हो सकता है कि जितना turnover होगा उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज मेरा होगा।
Now the question arises कि उस particular case में जो मुझे rent मिल रहा है, will it continue to be assessable under a house property? हर महीने variable है rent. क्या मैं 40,000 रुपए हाउस प्रॉपर्टी में लूं, बचा हुआ रेंट में अदर सोर्सेज में लेके जाऊं? क्या कहते हो? क्वेश्चन राइजेस, विल इट मेक एनी डिफरेंस दैट हाउ दैट पर्टिकुलर रेंट इज बीइंग चार्ज, कि रेंट कैसे कंप्यूट होगा, क्या उससे कोई हाउस प्रॉपर्टी हेड में फर्क पड़ता है? नो फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है दैट हाउ इट विल बी कंप्यूटेड, हाउ यू आर गोइंग टू चार्ज. तो फ्रेंड्स, कोविड एरा के बाद दिस इज क्वाइट नॉर्मल इन केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज जहां पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी चल रहा है. तो ये सवाल आएंगे हमारे पास, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा. आई बिलीव पर्सनली दैट इट इज गोइंग टू बी असेस्ड अंडर एट हाउस प्रॉपर्टी ओनली, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड इस चीज पे कहीं पर भी डिस्कशन नहीं करता दैट हाउ यू आर चार्जिंग द रेंट फ्रॉम द टेनेंट. हाँ, अगर आप उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट करोगे देन इट कुड बी ट्रीटेड एज एओपी और बीओआई, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर. अगला मर्जिंग ट्रेंड फ्रेंड्स, इसको फ्रेंड्स यहाँ पे करते हैं, बहुत लंबा चलेगा, छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरीज हो. फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची, मैं अपना नाम लू ना लू, पता चला ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सुन रहे हैं और वो कहे पंकज जी आप तो आ गए. फ्रेंड्स, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची इन बुक्स 1 करोड़ रुपए, रजिस्ट्री भी 1 करोड़ के हिसाब से हुई, मेरे घर पे 50 लाख रुपए रखे हुए थे, कहां से आए वो एक अपने आप में मैटर अलग है, नकद रखे हुए थे, एंड देयर इज अ सर्वे और सर्च एंड सीजर, और वो 50 लाख रुपए नकद पकड़े गए. मैंने डिपार्टमेंट को कहा जी ये 50 लाख रुपए जी प्रॉपर्टी बेच के आए हैं, बुक्स में 1 करोड़ दिखाए थे बट ये प्रॉपर्टी बेचने से आए हैं. उन्होंने कहा जी सेलर से पूछ लेते हैं, सेलर ने भी ये चीज एडमिट कर ली, हाँ जी मैंने 50 लाख रुपए पे किए थे और प्रॉपर्टी के एवज में, प्रॉपर्टी के एवज में. अब फ्रेंड्स, कैश है उसके कारण जो पेनल्टी लगेगी दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. मैं यहां पर सिर्फ कैपिटल गेन या पांचों हेड्स की बात कर रहा हूं, पेनल्टी की बात नहीं कर रहा. सवाल ये है कि मैंने बुक्स में प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ में, मैंने एडमिट कर लिया कि नहीं 50 लाख रुपए ओवर एंड अबव लिए थे, और मैंने एडमिट किया कि नहीं जी मैंने तो ये परचेजर को हेल्प करने के लिए दिए थे जिससे कि वो स्टैंप ड्यूटी बचा ले, मेरा और कोई इंटेंट नहीं था, मेरी ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी तो कैपिटल गेन पे वैसे टैक्स नहीं लगना. परचेजर ने भी एडमिट किया, हाँ जी मैंने इसको 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं. अब सवाल यह है कि दोनों पार्टीज ने एडमिट कर लिया तो वो जो एक्सेस 50 लाख रुपए है, विल इट बी टैक्स्ड अंडर हेड कैपिटल गेन्स? क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसे एग्रीकल्चर लैंड का ही कंसिडरेशन माना जाए? एग्रीकल्चर लैंड अपने आप में टैक्सेबल है नहीं टैक्सेबल है, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट. कहने का मतलब क्या वो कैपिटल गेन्स हेड का ही पार्ट बनेगा 50 लाख रुपए? दोनों पार्टीज ने एडमिट कर लिया. What do you say, friends? किसी का कोई विचार? मतलब बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गया कि वो पैसा बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ही मिला है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. वी आर एबल टू प्रूव बोथ द पार्टीज. फ्रेंड्स, देखा जाए तो प्रॉपर्टी के एवज में है, बट रिसेंटली देयर इज अ जजमेंट इन द केस ऑफ श्री मोहिंदर सिंह. वहां पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि दैट लॉ ऑफ एस्टोपल विल अप्लाई. आपने खुद कहा था फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंप ड्यूटी की सेल प्राइस 1 करोड़ रुपए है, इट डज नॉट हेल्प कि आप उसको सामने वाले को हेल्प करने के लिए काम कर रहे थे. लॉ ऑफ एस्टोपल अप्लाई होगा जब आपने खुद ने कहा कि प्रॉपर्टी हमने 1 करोड़ में ट्रांसफर की है, तो आप बाद में ये क्लेम नहीं कर सकते कि प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में ट्रांसफर की. In this particular case, this rupees 50 lakh will be assessable under head other sources only. तो friends, कई लोग ये सोचते हैं कि सस्ते में property बेच देते हैं, पकड़े गए तो capital gain ही लगेगा, देखी जाएगी, 20% tax लगेगा, काम खत्म. No. And I think this is again one of the good interpretation by the tribunal कि नहीं, ये other sources में assess होना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, 112 है ऑलरेडी, वैसे मैं कासा प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस कर चुका हूं,
So because of time paucity that I have to close it now. Friends, anything you would like to ask, most welcome. अजीत जी देखिए अनडिस्क्लोज इनकम मैं नहीं मानूंगा क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ने एक्सप्लेन कर दिया एंड आई एम अज्यूमिंग दैट सेलर द बायर इज एबल टू एक्सप्लेन द सोर्स आल्सो. गौरव जी क्वेरीज टाइप करके बैठे हुए थे सीधे क्वेरीज का आते उन्होंने जस्ट कॉपी पेस्ट. गौरव जी देखिए इसमें जजमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर केस में 54B के केस में जजमेंट्स हैं कि अगर आप सन के नाम प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं तो आप कैपिटल गेन्स की एग्जेम्पशन का बेनिफिट 54B में ले सकते हैं एंड आई थिंक दैट सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड फॉर अदर सेक्शंस आल्सो कि अगर आपने सन के नाम प्रॉपर्टी खरीदी इवन एक्सक्लूसिव इन द नेम ऑफ द सन स्टिल एग्जेम्पशन इज अलाउड. गौरव जी देखिए इनकम टैक्स प्रोसीजर की बात नहीं करता बट इट इज बेटर टू एग्जीक्यूट अ गिफ्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस. बेटर है अगर आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द लीगल टाइटल बेटरमेंट और अदरवाइज नहीं भी करते हैं तो एज सच देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट कि आप मनी गिफ्ट की गिफ्टेड बनाए. यस गौरव जी आपकी बात ठीक है कि मैं सेक्शन 54EC के एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी ले सकता हूँ प्लस कैपिटल गेन अमाउंट को मैं प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ. Now in that case, property investment may be in the name of his son. Yes, that is also valid. Gaurav ji, देखिए अगर broker commission cash में मांग रहा है तो business head में तो आपको छूट मिलेगी नहीं but capital gain head में brokerage को capitalize करना और house property head में कोई भी ऐसा expense अगर cash में pay किया तो कोई restriction नहीं है. अगर आप ब्रोकर को कैश में भी पे कर रहे हैं इफ यू आर हैविंग सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट यू हैव पेड द ब्रोकरेज प्लस यू हैव सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव द सोर्स ऑफ सच कैश व्हिच हैज बीन पेड टू द ब्रोकर आई थिंक यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 यू कैन कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑल्सो. देखिए अगर डेथ के बाद प्रॉपर्टी मिलती है तो उस पर्टिकुलर केस में पुराने ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होती है. यहाँ पर हमारे पास संदीप जी का सवाल है कि मिस्टर ए के चार बेटे थे मिस्टर ए की कोई विल नहीं थी मिस्टर ए की डेथ हो गई बाद में चारों बेटों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ये प्रॉपर्टी एक ब्रदर को दी जाएगी बाकी तीनों को नहीं चाहिए. अब वो एक पर्टिकुलर ब्रदर उस प्रॉपर्टी को बेचता है लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है दैट विल बी लॉन्ग टर्म प्रोवाइडेड मिस्टर ए की पीरियड ऑफ होल्डिंग प्लस उस बेटे की पीरियड ऑफ होल्डिंग मिला के मोर देन 2 years है. Anything else, friends? Would you like to ask? So, friends, with this, I would like to thank the platform CASA and Sumit Garg ji. Thank you so much. Thank you so much, Pankaj sir. Asha ma'am, jinhone pura yahan par. Bahut hi nicely explained kiya aapne. Bahut hi nicely explained kiya. Kafi sare eye opener points the. I think. Thank you, Pankaj ji. I am also here, but I am joining from Jind district, so could not able to on my video. And wonderful session, Pankaj bhai. Thank you, sir. Thank you. And we will host. Sumit ji, ji. Sumit ji, formal vote of thanks. थैंक यू आशा जी एंड सबसे पहले अपने भाई पंकज सरोगी जी का धन्यवाद जिन्होंने इतना बढ़िया सेशन रखा और फीडबैक में भी चैट बॉक्स में भी देख सकते हैं और साथ में सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद. वी विल शेयर द प्रेजेंटेशन व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम द पंकज जी एंड वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब. सो थैंक यू वेरी मच टू ईच पार्टिसिपेंट. थैंक यू पंकज भाई और सचिन जी भी अगर है तो सचिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पार्टिसिपेंट्स. नाउ नेक्स्ट सेशन ऑन मंडे सो वी विल मीट ऑन संडे. थैंक यू पंकज भैया. थैंक यू सुमित जी. थैंक यू आशा मैम. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. सुमित जी आई थिंक यू आर होस्ट नाउ तो आप मीटिंग क्लोज कर दीजिए. ओके सर. ओके आशा जी. ओके ओके.